हेलो एवरीवन सभी को नमस्कार मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं तो इस सेशन में हम सीरियल दो हज़ार चौबीस मेन्स के लिए जो फ्री मॉक टेस्ट है द पंडित प्लेटफॉर्म का जो कि लाइव होता है हर संडे को तो वो डिस्कस करेंगे दिस इज मॉक टेस्ट नंबर टू मॉक टेस्ट नंबर वन में नहीं करवा पाया ठीक है तो इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं यार इसके लेवल की तो मेरे हिसाब से ये जो अपना मॉक टेस्ट है मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ ठीक ना कि पूरे उसकी मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर है अबव मॉडरेट लेवल हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने परसेंटेज भी देखा था कि हर एक सवाल को कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने सही किया है तो आठ से नौ ऐसे सवाल थे जिसे तीस परसेंट से कम स्टूडेंट सही कर पाए ठीक है एवरेज टाइम की मैं बात नहीं कर रहा करूँ और नेक्स्ट जो मॉक रहेगा ना अपना उसमें मैं सबसे पहले और आप बताना कैसा रहेगा सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा उन सवालों को करने की या करवाने की जो यहाँ पर वेटेज कम परसेंट स्टूडेंट्स ने किया है ठीक है चलो तो अभी तो वन से लेके थर्टी तक हम सारे सवाल करेंगे आ जाओ जहां पर जरूरत होगी बेसिक्स को डिस्कस करने की वो जरूर डिस्कस करेंगे और मेन बात यार ये है मैं आपको वो अप्रोचेस बताऊंगा जो एग्जाम में करी जा सकती है ना कि इसको सोच के अच्छा देखो इस सवाल के लिए ये ट्रिक बढ़िया ये बता दी जाए है ना केवल आपको इंप्रेस करने के लिए दैट इज़ नेवर माई मोटो मेरा मोटो बस ये है कि हाँ यार एग्जाम में कैसे हो सकता है अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं इस सवाल को कैसे सोचता ठीक है आइए कह रहा है सम इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10 परसेंट पर एनम कंपाउंडेड हाफ एन अमाउंट ऑफ इतना इन डेढ़ साल तो बताओ कितना पैसा इन्वेस्ट किया रेट जो है आपका 10 परसेंट है ना लेकिन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही तो रेट 5 परसेंट टाइम डेढ़ साल है तो तीन बार कंपाउंडिंग हो जाएगी यानी ये थ्री ईयर वाला सवाल हो गया नहीं। मैंने अगर पी रुपीज इन्वेस्ट करे थे तो एक साल के बाद वो कितने हो जाएंगे इन टू ट्वेंटी और एक साल के बाद कितने हो जाएंगे इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी और एक साल के बाद कितने हो जाएंगे ट्वेंटी वन मैं एक साल बोल रहा हूं बेसिकली वो आधा साल है वो एक कंपाउंडिंग होता है सीआई का जो बेसिक वाला सेशन था यूट्यूब पर भी अपलोडेड है उस पर बताया है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1, 7, 3, 6, 4, 3, 7, 5, तो क्या मैंने आपको हमेशा कहा यार इजीली चीजों को सिंप्लीफाई करिए इसके बराबर होगा ना आज सॉल्व करते हैं एक दो तीन और ये तीन जीरो कट गए ठीक है ना अब 21 वन इंटू ट्वेंटी वन इंटू से ये वाली वैल्यू पूरी पूरी कटनी चाहिए बताओ क्यों हम यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि हम ऑप्शंस का यूज़ कब करते हैं अगर आप रेगुलर सेशंस देखते होगे तो ये वाली बातें अब तक आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी कि ऑप्शन हम यूज़ करते हैं सबसे पहला जब हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दिखती है नेक्स्ट जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आए कि मैं क्या करूँ उस केस में और लास्ट होता है लास्ट होता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो यानी कैलकुलेशन के केस में आपको ऑप्शंस देखने ऑप्शन में भी हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि केवल यूनिट डिजिट से हमारा काम बन जाए अगर यूनिट डिजिट से नहीं बनता है तो फिर हम फैक्टर वगैरह देखते हैं है ना कि फैक्टर से हमारा काम बन जाए ठीक अब आ जाओ इस सवाल पर और उसी में यूनिट डिजिट में ही यूनिट डिजिट में ही मैंने आपको जीरो वगैरह भी बता रखा है ठीक है अभी भी इन शॉर्ट मैं आपको बता दूंगा ठीक है तो आप ये समझो कि यार ट्वेंटी वन का टू से कुछ काटा पीटी नहीं हो पाएगा ना यानी इन टू से तो ये आपस में कुछ काटा पीटी नहीं होगा यानी इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ट्वेंटी वन का क्यूब नाइन टू सिक्स वन अब मैं इससे इसे डिवाइड करूं टाइम टेकिंग है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑप्शन से हम कर सकते हैं क्या तो देखो वन इन टू वन इन वन तो इस सब को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट वन होगी नाइन टू सिक्स वन है बट अगर बड़े नंबर्स भी होते हैं हमें नहीं समझ में आता तो हम कहते हैं वन तो आएगा ही आएगा और वन कितने जा फाइव फाइव जा तो यानी कि यार अगर मैं ऑप्शन से करना चाहूँ फाइव और टू टू जै फोर टू जै एट एट फाइव जै फोर्टी यूनिट डिजिट जीरो होगी जो कि मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा तो यानी यूनिट डिजिट से काम नहीं बना तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यार अगर यूनिट डिजिट से काम ना बने तो ज़ीरो पर आ सकते हो कि यूनि ज़ीरो मतलब अगर सब ऑप्शन में जीरो हैं जैसे यहाँ दो जीरो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा रूँ आगे स्किप मत कर जाना ठीक है देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन है ठीक है मैंने तो सवाल बनाया नहीं है तो देखो फिर भी दो जीरो यहां पर यहां है तीन जीरो दो जीरो दो जीरो से पहले क्या फोर दो जीरो से पहले क्या फाइव तीन जीरो से पहले क्या फाइव तो अब समझो हम ये पहले जानना चाहेंगे कि यहाँ एंड में कितने जीरो होंगे क्लियर है पीछे तक सबको जीरो कैसे बनता है टू इंटू फाइव से बनता है है ना तो अगर मान लो मेरे पास पांच टू है मैं बेसिक बता रहा हूं मेरे पास पांच टू है और फाइव है मेरे पास दस तो बताओ कितने जीरो होंगे तो आप कम वाले को पकड़ते हो इसी का उल्टा कर दूं कि मेरे पास पांच है तीन और दो है एक तो जीरो एक ही बनेगा क्योंकि एक टू एक फाइव से एक जीरो बनता है तो जो चीज कम होगी उतने जीरो बन जाएंगे अब देखो यहां पर टू कितने तीन है? टू, 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 टू है क्या इसके अंदर एक भी टू है भाई एक भी टू नहीं है अगर एक भी टू होता तो ये एक इवन नंबर बन जाता समसंख्या टू इन टू एनी नंबर इज इवन नंबर अरे बोलो ना क्लियर है ना अभी देखो यहां पर मेरे पास टू कितने तीन तो क्या यहां पर मेरे पास तीन फाइव है या तीन से ज्यादा फाइव है देखो तीन है या नहीं है ये पता कर लो तीन से कम है या ज्यादा है देखो फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव तो पच्चीस से तो ये संख्या कट रही है तो दो फाइव तो है ही है अच्छा अगर ये संख्या फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव ये वाली बात भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अगर ये वन ट्वेंटी फाइव से कट रहा है यानी कि मेरे पास कितने फाइव हो गए तीन फाइव हो गए 125 से कटने के लिए आखिरी के तीन अंक 125 से कटने चाहिए तो यार ये तो कट रहा है ढाई सौ ट्वेंटी टू फिफ्टी प्लस वन ट्वेंटी थ्री सेवेंटी फाइव कट रहा है अब चिंटू ने बोला क्या कि सर 625 से कट रहा है क्या नहीं कट रहा मतलब 5 की पावर 4 यानी कि 625 625 से वो संख्या कटेगी जिसकी आखिरी की चार डिजिट सिक्स से कट जाए लेकिन मैं कहूंगा चार डिजिट देखनी ही क्यों चार फाइव चाहिए क्यों क्योंकि हमारे पास टू तो थ्री ही है टू से टू जो है हमारे पास थ्री है उससे ज्यादा तो है ही नहीं यानी मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं थ्री अब चाहे यहां पर चार पांच चार बार मिल जाए पांच चाहे पांच बार मिनिमम कितना चाहिए मैक्सिमम हमारे पास टू तीन ही है तो हमें यहां पर तीन ही फाइव की जरूरत है यानी कि वो हमें मिल गया नहीं। इसका आंसर पक्का ये होगा क्या बात को समझ पाए क्या इज इट क्लियर कि भाई तीन जीरो होंगे इन दोनों में तो दो जीरो है हम इसको टिक कर सकते हैं बाकी सारी बातें बेसिक थी ठीक है बहुत अच्छा है। यूज़ करोगे, फायदे में रहोगे भाई ठीक है? एक शॉपकीपर ने, करते फिर जाएंगे। एक, ने मार किया एक आर्टिकल को 20 अधिक उसके सीपी, से। 100 अगर था, उसका सीपी तो उसने उसे एक मार्क कर दिया और उसके बाद उसने 10 परसेंट का डिस्काउंट दे दिया 12 का डिस्काउंट दे दिया इस पर इसका 10 परसेंट डिस्काउंट यानी 108 में बेचा तो सौ की चीज 108 में बेची तो आठ का प्रॉफिट काम खत्म अगला सवाल क्या कह रहा भाई फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मोड मीडियन का मतलब क्या होता है बीच वाली संख्या एकदम बीच में और मोड मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है तो मीडियन तभी निकाल सकते हो जब आप उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो अरे बीच में कौन है इस केस में बीच में कोई और होगा तो और इसको मैं आगे पीछे अरेंज कर दूं तो बीच में कोई और तो इसलिए कहा गया कि जब आप इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे तब बीच वाला तो अभी तो ये है नहीं तो लिखो भाई एक दो तीन चार तो एक दो तीन और चार फिर उसके बाद वन टू थ्री तो वन टू और थ्री उसके बाद फाइव है क्या फाइव एक है सिक्स एक दो एक दो सेवन की बात करें एक दो एक, दो एट है क्या एक एट भी है एक एट भी हो गया नाइन एक है सब कट गए ना ठीक है तो यानी एग्जाम में अगर हम इस सवाल को करेंगे नहीं आपने जब सवाल किया होगा तो ये लिखना जरूर पड़ेगा ये क्या इसके साथ साथ ये भी लिखना पड़ेगा टेन सेकेंड सेव करने के लिए सवाल गलत ना करिए तो सबसे पहले सबसे ज्यादा बार कौन सा आया थ्री यानी कि मोड तो थ्री हो गया मीडियन यानी बीच वाला तो बीच वाला निकालने के लिए कई बच्चे जो है फॉर्मले में टकते हैं फॉर्मला में फटाक से बता दू रटना नहीं है एन बाई टू एन बाई टू प्लस वन एन प्लस कुछ मत रटो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है जैसे पांच है तो पांच में बीच वाला कौन सा ये जानते हो सभी सबके हाथों में पांच उंगलियां तो है ना ठीक है तो फाइव का बीच वाला कौन सा ये तो आप ये याद रखो कि हमें डिवाइडेड बाई टू करना है पहली बात अगर पांच लोग हैं तो बीच वाला एक ही होगा सौ एक लोग हैं बीच वाला एक ही होगा क्लियर है ना तो बीच वाला क्या ये ये रहा तो यार 5 जो है टू से डिवाइड नहीं होता तो एक ऐड करेंगे और आधा कर देंगे तो फाइव प्लस कर लेंगे अच्छा अगर हाथ में चार फिंगर है तो पता है बीच वाली है तो कैसे तो फोर तो टू से डिवाइड हो जा रहा है तो फोर का आधा टू यानी कि दूसरी वाली उंगली और एक उसकी नेक्स्ट भी तो सेकंड और थर्ड फटाक से करते हैं सत्तर लोग हैं तो बीच वाले कितने होंगे ये एवरेज में भी यूज आता है तो सत्तर लोग हैं तो बीच में दो होंगे मिडिल नंबर टू होंगे तो सत्तर का आधा हो जाता है इसलिए थर्टी फाइव और उसकी अगली संख्या थर्टी सिक्स अच्छा अगर मान लो एट्टी सेवन लोग हो तो ये डिवाइड नहीं होता तो एक जोड़ के आधा कर देते हैं अब याद रहेगा भूल जाओ तो ये और मैं मान के चल रहा हूं मैं इस स्पीड में बता रहा हूं मैं मान के चलूं कि आपको थोड़ा सा बेसिक आता है नहीं भी आता है तो चीजों को अगर आप समझोगे तो कर पाओगे अच्छा कितनी संख्या यहां पर बताना जरा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह कोई रह तो नहीं गया एक आठ रह गया एक आठ यहां पर रह गया है ठीक है ना क्योंकि अदरवाइज हमारा डेसिमल में आ रहा होता तो इसको हटाओ हटाओ हटाओ, हटाओ ये हटा दो तो यानी हमारी संख्याएं कितनी पंद्रह पंद्रह का मतलब बीच वाली संख्या क्या होगी एक होगी तो पंद्रह में एक जोड़ दो सोलह सोलह का कर दो आधा यानी ये हो गया एट आठवीं संख्या जो है एट नहीं होगा आंसर आठवीं संख्या हमारा मीडियन होगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ये आ गया यानी कि फाइव माइनस थ्री यानी कि टू इज द राइट आंसर एट ऑप्शन में नहीं है कई बार ये भी ऑप्शन दे देगा ये वाली संख्या बीच वाली संख्या होगी नेक्स्ट पंद्रह हजार रुपये जो है कितने बन जाते हैं 17000 बन जाते हैं r परसेंट के रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पर दो सालों में तो बताइए कितना अमाउंट हमें मिलेगा अगर उसी पैसे को हम इन्वेस्ट करते हैं थ्री आर परसेंट पर दो सालों के लिए अब समझो यार सिंपल इंटरेस्ट में हमने डिस्कस किया देखो इसे दो तरीके से बच्चे कर सकते हैं एक बालक बस टाइम का डिफरेंस आएगा मतलब सवाल को करने में एक बालक बिल्कुल बेसिक से कर सकता है कि वो आर की वैल्यू निकाले कि एस बराबर P R T 100, फिर जो है एस SI आई निकाल ले रेट को थ्री आर करके और फिर वो जो एस SI आई है पंद्रह हजार में जोड़ दे क्लियर है ना पीछे तक सबको समझ में आ रहा है एक ये है दूसरा आपको मैंने ये भी कहा अगर प्रिंसिपल सेम है हमारा जो इंटरेस्ट होता है नेट रेट जो हमने डिस्कस किया था वो क्या होता है रेट इंटू टाइम तो आपको देखना रेट इंटू टाइम कितने गुणा हो गया जो चेंज रेट इंटू टाइम पर होगा वही चेंज इंटरेस्ट पे होगा तो देखो रेट पहले आर था टाइम टू था तो थ्री टू या आर इंटू टू कर लो तो टू आर हो गया और बाद में थ्री आर इंटू में टू तो थ्री टू या सिक्स आर हो गया आर से आर कट जाएगा ये हो गया वन रेशियो थ्री ऐसे कर लो आप या तो या ये समझो टाइम और ये भी बात डिस्कस कर दी थी ना हमने देखो टाइम तो सेम है कल को यहां पर टू की जगह थ्री दे दे तो आप ऐसे कर सकते आप केवल रेट इंटू टाइम में चेंज देखो वही चेंज जो है इंटरेस्ट में होगा क्योंकि प्रिंसिपल सेम है ठीक है ऐसे याद रहा ओके अदरवाइज ये है ऐसा नहीं ये करना ही करना अभी हो गया एक तरीके से देखो कैसे जादू हो गया लेकिन ये क्लिक नहीं करता है कई बार एग्जाम में तो आप ऐसे जाओगे दिक्कत कोई नहीं है तो आपको रेट इन टू टाइम ये हमारा नेट रेट होता है इसमें चेंज देखा वन इज टू थ्री कल को टाइम बदल सकता है तो वहां पे टाइम अलग अभी टाइम सेम है इसलिए उसकी जरूरत नहीं है तो यानी हमारा जो रेट है जो इंटरेस्ट है अगर वो पहले वन था तो अब थ्री हो गया है अच्छा पहले इंटरेस्ट कितना मिल रहा था दो हजार रुपये तो अब इंटरेस्ट कितना मिल रहा होगा छः हजार रुपये तो छः हजार और पंद्रह हजार इक्कीस हज़ार आंसर हो गया अदरवाइज अब ऐसे कर देते कि देखो दो हजार रुपये अब आपको पता है तीन जीरो यहां पर आएंगे पंद्रह हजार में भी तीन जीरो मत लिखो कितनी बार बोला है तो पी आर ये हो गया आपका टी टू डिवाइडेड बाई हंड्रेड अरे कितना टाइम लग गया भाई पाँच से गए तीन बार और पाँच से गए बीस बार ट्वेंटी बाई थ्री रेट बाद में कितना हो गया थ्री आर ट्वेंटी बाई थ्री इंटू में थ्री ट्वेंटी परसेंट हो गया तो P में R हो गया आपका ट्वेंटी तो दो जीरो सॉरी पंद्रह 30, 30 और छीस तो तो कहने का मतलब अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो कैसे भी आप कर जाओगे ठीक कभी भी इससे इंप्रेस नहीं होना सर ने क्या बता दिया ठीक है सारी चीजें बस कई एग बार एग्जाम में अप्लाई नहीं भी करती है इसको छोड़ दूँ क्या है ना ये तो यार देखो आप करो चाहे मैं करूँ एक ही बात है बॉर्ड मास का ध्यान रखना होता है ये चीज पहले आपको कॉपी में लिखनी होती है जो भी रफ शीट है उसके बाद पहले ब्रैकेट को पकड़ो और सॉल्व करते जाओ ठीक है ये कर लेंगे आगे बढ़ते हैं अब आगे ये सवाल इन टाइम इन सवालों में टाइम वेस्ट नहीं करना है यानी यहाँ सीधे पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देनी है इसको पी रेशियो क्यू रेशियो आर निकालना है आपने देखा क्यों यहाँ पर भी है क्यों यहाँ पर भी है तो समझ गए होंगे 13 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो q सेम हो जाएगा तो 13 5 जा 65 ठीक है 13 7 91 और ये हो जाएगा आपका 17 7 119 क्लियर अब केवल ये वैल्यूज आपको पुट कर देनी आंसर आ जाएगा p q तो इन दोनों को जोड़ो 5 और 1 6 तो 9 और 6 कितना हो गया 15 ठीक उसके बाद क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर यानी इन दोनों को जोड़ो तो ये हो गया बीस दो सौ अब देखो यार एक छोटी सी चीज ऐसी चांसेस हैं कि यार हम इसको टिक कर दें आए ना कि भाई ये है बट ये देखो आगे यहाँ पर कट सकता है हाँ यहाँ पर एक और नंबर आ गया तो चल जाएगा अच्छा ये तो वैसे भी आगे कट भी रहा है ना तो हो सकता है ये हो भी जाए और हो सकता है आगे कट भी जाए ठीक है ये होना वैसे नहीं चाहिए क्योंकि आगे कट रहा है बट एस एस सी कई बार ऐसे आंसर्स भी दे चुकी है जो आगे कट रहे हैं ठीक है तो ऐसे रिस्क नहीं लेना है आज की डेट में एग्जामिनर कैसे भी सवाल बना रहा है ठीक है ना तो आ जाओ अब किसको जोड़ोगे इन दोनों को तो नौ और 5 चौदह कह रही है एक छः सात आठ वन एट्टी फोर वन एट्टी ये आंसर दे सकता था वो नहीं दिया है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है अच्छा सवाल बनाया गया है क्यों ताकि बच्चा इन दोनों को देख के इसे टिक कर दे ऐसा कभी भी रेशो में नहीं करना मैंने कई बार बताया क्या ये चार से कट रही दो से कट रहे हैं तो टू से क्या ये टू सेवन जा एट जा ये वन जीरो फाइव ये आ जाएगा आपका नाइन्टी टू ये रहा ऑप्शन नहीं ये भी नहीं है ये है भाई कितने क्लोज दे दिए हैं बढ़िया है आ जाइए तो इससे एक छोटी सी बात समझना कि एग्जाम जब भी आप कोई मॉक टेस्ट देते हो तो उसका एनालिसिस इसलिए करो ये देखो कि यार ये मेरी सिली मिस्टेक हुई है ये यहां पर मेरे ढाई नंबर वेस्ट हो गए सिली मिस्टेक करने में उस चीज को इंप्रूव करो नाइनटी परसेंट पर फोकस करो जो किए जा सकते सवाल हैं वो टेन परसेंट तभी हो जाएंगे जब आपके बेसिक्स स्ट्रोंग होंगे और आप सवालों को आराम से कर रहे होंगे क्या कह रहा भाई ये सवाल देखो एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ एवरेज पढ़ा है डिटेल रिविजन बैच में देखो है ना क्या ये सवाल किया जा सकता है क्या ये सवाल करवाए बिल्कुल करवाए कि दस लोगों का एवरेज कितना है फिफ्टी टू पॉइंट फोर ईयरस दो लोग हैं जिनकी एज पचपन और पैंतालीस है वो छोड़ के चले जाते हैं जिनकी जगह दो आते हैं रिप्लेसमेंट वाला सवाल है जिस वजह से एवरेज एज इंक्रीज हो जाती है वन पॉइंट टू ईयर अब वन पॉइंट टू इनकी एज इंक्रीज हुई है ये दस लोग हैं यानी कि ये जो दो लोग आए हैं ये दोनों मिलकर बारह एक्स्ट्रा लेके आए हैं दोनों मिलकर बारह एक्स्ट्रा लेके आए हैं तो यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि नए जो ज्वाइन जो किए उनकी एवरेज क्या है या ये जो दो नए आए हैं इनमें से किसी एक की एज दे देगा दूसरे की पूछ लेगा तो यानी अब यहां पर ये क्या सवाल है कि भाई नए जो है उनकी एवरेज बताओ तो जो गए थे उनकी एज थी 55 और 45 तो उनका एवरेज कितना था तो उनका एवरेज था 50 45 और 55 का एवरेज 50 तो एक दोनों मिलकर बारह लाए एक कितना लाया सिक्स एक्स्ट्रा एक बालक ऐसे कर सकता है बेसिक्स क्लियर है फिफ्टी दूसरा एज को जोड़ने लग जाएगा तो जो वन आ जाएगा फिर उसमें बारह जोड़ देगा है ना फिर ये कितना हो गया टू टू वन फिर इसको दो से डिवाइड करेगा तो ये कितना हो गया नहीं नहीं आई एम सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया फो फिफ्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव इज हंड्रेड हंड्रेड एंड ट्वेल्व हो जाएगा मैंने फिफ्टी फाइव का डबल कर दिया तो ये हो गया आपका एक सौ बारह और एक सौ बारह का आधा करोगे तो फिर फिफ्टी सिक्स बट ये बात क्लियर है ना एवरेज फिफ्टी हो गया बारह दोनों को मिलकर लाना है एक फिफ्टी एक जो है फिर फिफ्टी प्लस वो छह लेके आ जाएगा क्लियर है एक की वो एज भी दे सकता था और दूसरे की पूछ सकता था ठीक आगे बढ़िए भाई पार्टनरशिप का सवाल है चाहे तो काट सकते हो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जीरो वाली चीज आप एटलीस्ट काट दें ठीक है अब वो डिपेंड करता है कि कब कैसे आगे सवाल हम देखेंगे जैसे उसने कहा कि ए ने दो हजार रुपए डाले थाउजेंड रुपीज तो तीन जीरो काटो केवल क्योंकि जब समझ पा रहे हो क्या ये देखो कई चीजें प्रैक्टिस से आएंगी हल्का सा उसके पीछे थ्री जीरो है, तो मैं तीन ही जीरो काटूंगा है ना इसलिए रटी रटाई चीजें पूरा ही रेशियो ले लो इस सवाल में रेशियो ले सकते हो क्योंकि परसेंटेज में इंक्रीज है डिक्रीज कर रहा है ठीक आ जाओ हुआ क्या हमने यहाँ पर रेशियो ले सकते हैं क्योंकि आगे कुछ हजार में इंक्रीज नहीं करवा रहा है अदरवाइज आपको देखना है अपने बुद्धिवे से डिसाइड करना है कि अच्छा पाँच पाँच हजार इसने पाँच हज़ार डाला तो पाँच हजार में तीन जीरो होते तो इसके तीन हजार तो तीन जीरो हटा दो इसमें से पाँच हजार मतलब माइनस करने हैं तो वन फिफ्टी माइनस फाइव कर दो क्लियर है ना ठीक है आ जाओ तो यानी फाइव से गया ये थ्री टाइम्स फाइव से गया ये फोर टाइम्स ये गया फाइव से फाइव टाइम्स यानी ये तीनों ने इतने इतने पैसे इन्वेस्ट किए उसके बाद क्या हुआ चार महीने के बाद ए इंक्रीज करता है अपने कैपिटल को 50 परसेंट तो यानी इसने इतना पैसा चार महीने के लिए इन्वेस्टेड रखा उसके बाद उसके अकाउंट में मेरे को थोड़ा स्पेस यहां रखना चाहिए ये हो गया आपका तीन हाँ पार्टनरशिप के सवालों में थोड़ा स्पेस रखना मुझे यहां का नीचे लिखना पड़ेगा ज़्यादा राइट में चला गया कोई नहीं क्योंकि इसमें फिर प्लस करना पड़ता है तो उसने तीन इन्वेस्टेड रखा चार महीने के लिए प्लस उसके बाद उसने अपनी कैपिटल 50 परसेंट से बढ़ा दी यानी कि थ्री तो थी और थ्री को 50 परसेंट बढ़ाना यानी इन में थ्री बाई टू अरे क्लियर है नहीं है 150 फिफ्टी बाई हंड्रेड यानी थ्री बाई टू इतना उसने अपनी कैपिटल कर दी कितने टाइम के लिए आगे देखेंगे वो बताएगा बाद में उसने कुछ चेंज किया या नहीं किया ए ने इंक्रीज किया बी और सी ने डिक्रीज किया है अपनी कैपिटल ट्वेंटी से कब कोई चार महीने के बाद ही होगा इसने इतना अपना रखा चार महीने तक इसने इतना अपना रखा चार महीने तक प्लस यहाँ लिख देता हूं इसका तो फोर इसने फोर uh, इसकी कैपिटल थी इसने ट्वेंटी परसेंट से घटाई ट्वेंटी परसेंट मतलब वन बाई फाइव यानी इसने अपनी कैपिटल अब इतनी रखी प्लस इसकी कैपिटल फाइव थी तो इसने अब अपनी कैपिटल इतनी रखी ठीक है कितने महीने के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर ईयर मतलब कि बारह महीने तो चार महीने यहां आठ महीने यहां बचे आठ महीने यहां बचे और एट मंथ यहां बचे अब ध्यान से सुनना मेरी बात को अब यहाँ पर आप कई तरीके से जा सकते हो ठीक है मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि ऐसा करेंगे हम सबको टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं या पूरी इसको रेशियो को क्यों यहां पर 2 है, यहां पर है 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 तो ये ये हट जाएगा ये बेसिक सी बात है। आपका मन है अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है ही देन दैट डज नॉट मेक मच डिफरेंस ऐसी कोई बड़ी बात है ही नहीं हम काट देंगे चलो दो से कट गए चार बार अब तो केवल फाइव से मल्टीप्लाई कर दो आपका मन है करना करो नहीं करना कोई बड़ी चीज यहाँ पर नहीं है देखो भाई फोर थी या ट्वेल्व बारह ये हो गया तीन तीन नौ नौ चौक छत्तीस थर्टी सिक्स प्लस बारह फोर्टी एट इसका अगर प्रॉफिट है तो इसका प्रॉफिट कितना ये आ जाएगा देखो फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन एलसीएम लोगे सोलह पंजे अस्सी तो ये हो गए और ये हो गया एट फोर या थर्टी टू थर्टी टू इंटू में फोर तो थर्टी टू का डबल सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर का डबल एक सौ अट्ठाइस वन ट्वेंटी एट ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका टू जीरो एट लेकिन डिवाइडेड बाई फाइव को मत भूल जाना रेशियो ये फाइव फोर जा ट्वेंटी और आठ चौ बत्तीस थर्टी टू प्लस ट्वेंटी फिफ्टी टू और आगे कट रहा है क्या और आगे अगर आप देखो चार से सब कट रहे हैं तो चार से गया ये बारह बार चार से गया ये आपका फोर फाइव 20 ये दो बार और ये गया चार से आपका तेरह बार ठीक है ना अभी फाइव है तो मैं इसको फाइव से फिर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ट्वेल्व फाइव या सिक्सटी ये 52 और ये 13 फाइव या सिक्सटी आ गया क्लियर है यहाँ तक ठीक है अब क्या पूछ रहा है फाइंड द शेयर ऑफ बी ए सी तो सबसे पहले वो ये चाहता है कि मैं गलती से ए बी सी बता दू पहला पॉइंट अब बी ए सी अगर मुझे निकालना है तो मेरे को दिख रहा है कि कैलकुलेशन ज्यादा है है ना कैलकुलेशन जो है वो ज्यादा उसने प्रॉफिट दे रखा है इसको मैं डिवाइड करूँ इन तीनों के सम से तो हम एक चीज देख लेते हैं बी ए सी सबसे चु... पहला जो आंसर होगा देखो इसने क्या किया होगा इन इन वैल्यूज को आगे पीछे अरेंज किया है बहुत अच्छी बात है बस यहां पर ये यह अलग दिख रहा है बाकी हम ऐसा देखते हैं उसने कहा है बी ए सी का प्रॉफिट है ना तो 52 सबसे छोटा फिर ए उससे बड़ा फिर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए ये हो सकता है।, है नहीं ये हो सकता है हमारी किस्मत से भी ये आंसर हो सकता है फिर उसके बाद आगे बढ़ जाओ भाई ये तो ये तो पहले ही बड़ा आ गया फिर छोटा ना ये नहीं है सीधे इंक्रीजिंग चल रहा होगा ना ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो ये करेक्ट है कॉमन सेंस है ना अगर मान लो अब आप कहो कि सर दो वैल्यूज मेरे को ऐसी मिल गई सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव हो गई प्लीज ऐसा मत सोचा करो आप यूट्यूब पर किसी की वीडियो देखते हो अब मैं यही ऐसा कर जाऊंगा प्रैक्टिस वाली चीजें तो ठीक है ट्रिक वाली चीज हम नहीं इंप्रूव कर सकते ट्रिक तो रटनी पड़ती है ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं आप अपने आप से सवाल करो कि यार क्या मैंने प्रीवियस ईयर की किताब के बहुत सारे सवाल लगाए हैं मैं ये नहीं रहा सारे ही लगाए हूँ बट क्या बहुत सारे सवाल लगाए ये केवल हम YouTube पर आके सोल्यूशन देखते रहते हैं इंप्रूवमेंट खुद की प्रैक्टिस से होगा खुद के पेन खाली करने से होगा ठीक है आ जाइए तो ये चीजें हैं अगर दो ऑप्शन मुझे सेम दिख जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो मैं किन्हीं भी दो का रेशियो देख लेता खासकर इसका इसका रेशियो देख लेता जैसे ये कितना है पाँच से गया ये बारह बार ये गया पाँच से तेरह बार तो ये अगर बारह रेशियो की वैल्यू है तो क्या ये तेरह की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी भाई डेढ़ गुना डेढ़ हजार एक्स्ट्रा पंद्रह हजार एक्स्ट्रा होगा ठीक है बात समझ पा रहे हो ये सारी चीजें अपने आप प्रैक्टिस करने से होती रहेंगी आ जाइए द रेशियो ऑफ परसेंट द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड इज इतना इज फाइव ईयर ओल्डर देन बी आफ्टर टेन ईयर द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड सी इज इतना फाइंड द प्रजेंट एज ऑफ बी ठीक है बहुत बढ़िया देखो ये सवाल 100% वो बालक नहीं कर पाएगा जिसने बेसिक्स पर ध्यान नहीं दिया है है ना इसलिए मेरे को ये सवाल बहुत बहुत बढ़िया लगा क्योंकि ये सवाल करने के लिए आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी वो जो हम एजेस के कुछ एक आधी लेक्चर्स देख जाते हैं ना यूट्यूब पर कि भाई इस ट्रिक से फटाफट होंगे जिसके सवाल वो यहाँ नहीं लगेगा यहाँ सिर्फ रेशियो से सवाल नहीं होगा यहां पर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्यों क्योंकि तो पहले ए बी की बात करी फिर सी के बारे में बताया और फिर ए सी का कंपैरिजन कर दिया उसने कहा यार ए और बी की जो एज है ना उसका रेशियो आठ और पांच है ठीक है आगे उसने कहा कि सी एक व्यक्ति है जिसकी एज पांच साल अधिक है बी से तो इससे क्या मैं पांच अधिक कर दू नहीं ये इसकी एग्जैक्ट एज नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यू जुड़ती है ठीक है तो फाइव ये एग्जैक्ट नहीं यहां पर एक्स है बेसिकली तो यानी सी की जो एज होगी वो कितनी होगी फाइव एक्स प्लस फाइव आगे क्या कह रहा ये है दस साल के बाद ए और सी की एज का रेशियो फाइव और फोर है तो दस साल के बाद ए की एज कितनी हो जाएगी एट एक्स प्लस में टेन और दस साल के बाद सी की एज कितनी हो जाएगी तो फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन फाइव एक्स प्लस में फिफ्टीन और ये जो रेशियो है ये रेशियो में फाइव और फोर दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ तो फोर थर्टी फाइव है ना एक स्टेप बढ़ भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं हो बढ़ा लो गलती नहीं हो बस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फाइव आ गई तो बस उसने पूछ क्या रखा है उसने पूछा बी की एज बताइए याद रखना ध्यान से

वहाँ तो आपका दिमाग अपने आप धीरे धीरे चलने लगेगा मतलब धीरे ही पढ़ पाओगे उस सवाल को क्योंकि वहाँ पे आपको फोकस पूरा करना पड़ेगा लेकिन जो हमारे देखे दिखाई से सवाल होते हैं वहाँ पर गलती हो जाती है कि हम उसको मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं लिखा कुछ होता है पढ़ कुछ जाता है आगे और एक शायद ऐसा सवाल है वो भी वहां फ़ोकस करेंगे ठीक है तो सवाल एग्ज़ाम में या मॉक टेस्ट आप दो पूरे फोकस के साथ पढ़ो चाहे वैसा सवाल आपने कितने भी बार क्यों ना किया हो तो प्रेजेंट एज ही पूछा था तो फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव ये आंसर हो जाएगा ठीक है भाई आगे बढ़े आ जाइए क्या कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की दी है ए क्यू प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की दी है सर जहां आपको ये दिख जाए इसका मतलब थ्री ए बी सी वाली चीज लगेगी सीधे करें क्या ए क्यू प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी और उसने वैल्यू किसकी पूछ दी है एक तरीके से ए बी सी की वैल्यू निकालोगे तभी रूट ए बी सी की वैल्यू बता पाओगे तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी यानी कि टेन इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है तो यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो दे दिया लेकिन उसने माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए नहीं दिया है ठीक है तो अब उसके लिए हम यहाँ से जा सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी टेन का स्क्वायर हंड्रेड ज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी यानी जो ये वैल्यू चाहिए उसका डबल यहां पर मैं एक्स लिख देता हूं यही वही एक्स यहां डाल देंगे सॉरी थर्टी एट यहां पर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सिक्सटी टू सिक्सटी टू का हाफ थर्टी वन यानी यहां पर आ जाएगा आपका थर्टी वन ठीक है ना तो ये कितना हो गया सेवन सेवनटी तो ये हो गया आपका सेवनटी थ्री ए बी सी वहां गया सेवनटी आ गया यहां पर सेवनटी यहां पर आ गया तो नाइनटी तो यानी एबीसी की वैल्यू हो जाएगी आपका नाइनटी बाई थ्री यानी थर्टी एबीसी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई नाइनटी बाई थ्री यानी कि थर्टी तो रूट थर्टी विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बताओ क्लियर है ये सवाल में हो सकता है आप अटके हूं ये दोनों सेम ही वैल्यूज है ठीक है ना इंग्लिश और हिंदी वाले ऑप्शन है बेसिकली दिया ये था कि अगर ये ए है तो बताइए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो यार अगर आप यहाँ पर देखें ऐसा तो कुछ है नहीं कि सेम वैल्यू नीचे ऐसे केस में क्या आपको इसको सॉल्व करना है ना ही है किसी का परफेक्ट स्क्वायर है जैसे अगर आप ये देखो फोर्टी का स्क्वायर होता है चार सौ सॉरी सोलह सौ तो फोर्टी वन का तो है ही नहीं यानी ये क्या है कुछ ऐसा हो जाएगा कि यार जो वैल्यू ये है इसके अंदर रूट में आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी जैसे लेटर सपोज ये एक्स रूट फाइव होगा तो ये वाई रूट फाइव होगा ये एक्स रूट सेवन होगा तो ये वाई रूट सेवन होगा फिर रूट सेम है तो वो वैल्यूज आपस में प्लस और माइनस हो सकती हैं फिर एंड में हम स्क्वायर कर देंगे आ जाओ तो इसको तोड़ते हुए चलते हैं तो सिक्सटीन ट्वेंटी मेरे को दिख रहा है कि यार ये फोर से कट रहा है तो मैंने इसे लिख दिया फोर इंटू में फोर फोर जो सिक्सटीन फोर जीरो जो जीरो और ये फाइव अब मैंने कह रहा इसे फाइव से काट दो हो गया आपका फाइव इंटू में एट्टी वन अब आप इसको काट ही दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे तो अब मुझे यहाँ पर दिग्ञा सीधे यार 81 मतलब कि यहाँ से नाइन बाहर और फोर मतलब टू नाइन टू एटीन रूट फाइव है ये क्लियर है आगे क्या है प्लस तो सिमिलरली यानी यानी कि आप इसे फाइव इंटू क्या लिख सकते हो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा जहाँ तक है तो ये फाइव इंटू में क्या है तो ये 5 इंटू में फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी ठीक है, तो है? बच्चा कितना आपका बयालीस फाइव एट जा फोर्टी ट्वेंटी तो 484 बच गया आपका चार आ गया ठीक है तो 484 किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई ये 22 का परफेक्ट स्क्वायर है यानी ये कितना हो गया आपका ट्वेंटी टू रूट फाइव बताओ यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या बताओ नो no इशू आगे बढ़ सकते हैं अब देखो नीचे अगर हम देखें तो यहां पर दोनों नंबर किससे कट रहे हैं चलो पहले इसी को देख लेते हैं आठ और एक नौ और तीन तो कुछ ऑड नंबर हैं दोनों तो सबसे छोटा ऑड नंबर तीन तीन से ये कट रहा है क्या ये कट रहा है एट प्लस वन नाइन सेवन प्लस टू नाइन बिल्कुल तो ये तो नाइन ये तो नाइन से भी कट रहा है बट ये थ्री से कट रहा है तो थ्री आपको पकड़ना है इसी को अगर हम पहले देख ले तो ये कितना है आपका थ्री इन टू में थ्री थ्री जा नाइन थ्री सिक्स एटीन एंड थ्री वन जा थ्री तो थ्री सिक्सटी वन परफेक्ट स्क्वायर है किसका नाइनटीन का यानी ये हो गया अपना नाइनटीन रूट थ्री इसका मतलब हम समझ गए कि यार थ्री को अलग करके देखो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा थ्री सेवन या ट्वेंटी वन थ्री टू या सिक्स थ्री नाइन या ट्वेंटी सेवन का परफेक्ट स्क्वायर है तो ट्वेंटी सेवन रूट थ्री हो गया बीच में क्या साइन है भाई माइनस का साइन है ऊपर वाले को जोड़ देंगे फिर तो कितना हो गया ये आपका बीस चालीस फोर्टी रूट फाइव और नीचे क्या हो गया आपका एट रूट थ्री आठ से गया ये पांच बार ये आगे नहीं कट रहा है यानी कि इसी का हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर अच्छी बात है ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर पांच का स्क्वायर हो जाएगा का, का स्क्वायर हो जाएगा और रूट का हो जाए का थ्री तो वन ट्वेंटी फाइव अपॉन थ्री विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है क्लियर आगे बढ़िए कह रहा है क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट थ्री फोर सिक्स के रेशियो में उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है टोटल सरफेस एरिया इतना है तो बताइए वॉल्यूम क्या होगी ठीक है तो वॉल्यूम क्या होगी ऑप्शन से जा भी सकते हैं और नहीं भी है ना तीन से कट रहा है लेकिन ये इसका डबल तीन से दोनों ही कट रहे, हैं। रहे हैं दो ठीक है एग्जामिनर ओवर स्मार्ट हो चुका है इसलिए हमें भी नॉर्मल चलना है बेसिक जितना सॉल्व करना है उतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है टू

हम तुरंत क्या करते हैं उसे एपॉन बी की फॉर्म में ले आते हैं अच्छा आज कितना आ गया दस बीस तीस चालीस पचास फिफ्टी फोर और ये है हमारा टू यार फिफ्टी फोर देखते ही ऐसा लग रहा है कि ये सिक्स से नाइन से कटेगा किस से कट रहा है एक बार डिजिट देखो आठ और चार बारह बारह और सात उन्नीस उन्नीस आठ सत्ताईस तो नाइन से काट सकते नाइन सिक्स फिफ्टी फोर नाइन नाइन एट्टी वन सिक्सटी फोर नाइन सेवन या सिक्सटी थ्री नाइन टू जा एटीन क्या छः से कट रहा है इवन नंबर है थ्री और देख लो बिल्कुल कट रहा है तो सिक्स वन जा सिक्स और उसके बाद थर्टी सेवन सिक्स थर्टी सिक्स और ये टू फिर दो से कट जाएगा तो ये गया आपका एट्टी वन टाइम्स यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई एटी वन अपॉन हंड्रेड का मतलब एटी वन अपॉन हंड्रेड एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो ये हो गया आपका नाइन बाई टेन ठीक है भाई आगे बोलो क्या बोल रहा है कह रहे हैं वॉल्यूम बताइए वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट सही तो है क्यूबॉइड है ठीक है तो यानी हमारा आंसर हो जाएगा थ्री इंटू में फोर इंटू में सिक्स और x आ जाएगा तीन बार तो नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन डिवाइडेड बाई टेन डिवाइडेड बाई टेन और डिवाइडेड बाई टेन मुझे बताओ मैंने आपको क्या क्या कहा है कितनी बार कहा है कि जब भी नीचे जीरो हो तभी काटो जब ऊपर टू और फाइव दोनों मिले

नाइन सिक्स 54 फिफ्टी फोर 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 जा सिक्सटीन सिक्स सिक्स थ्री जा एटीन तो यूनिट डिजिट मेरी एट होगी बताओ कहाँ पर है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एग्जामिनर ने मुझे फंसाने की कोशिश करी लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए दो क्या तीन जीरो आ गए यानी कि समथिंग 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 डेसिमल होगा हंड्रेड परसेंट क्योंकि नीचे तीन जीरो है और उसने हमें जो ऑप्शन दिया है वो कहीं ना कहीं इसीलिए दिया है ठीक है अदरवाइज वो यहां पे कह देता करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस एंड पॉइंट फोर या पॉइंट फाइव वहां पर ये नहीं कर पाते तो वो ये यही वाली स्मार्टनेस देखना चाह रहा है ताकि हम टाइम भी सेव कर ले और सवाल भी हो जाए क्लियर है क्या आ जाइए आगे बढ़िए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर मार्क कर लेना क्यों वो भी बात कर लेंगे देखो क्या कह रहा है कह रहा है कि यार ए बी और सी डी आर टू पैडल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सच दैट तो अभी अभी नहीं वैसे तो ये 2015-16 में भी ऐसा मेंस में सवाल आ रखा है जहां पर रेडियस जो होता है ना वो रूट में होता है मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत ये सवाल पहले पढ़े हैं ठीक है तभी मैं इतनी फास्ट बता रहा हूं तो जब रेडियस आपको रूट में मिलने लग जाए इसका मतलब ये है कि ये जो सवाल है ये ट्रिपलेट पर बेस्ड नहीं है क्या ये बात क्लियर है तो यहां पर क्या है वहां पर इक्वेशंस को इक्वेट करके आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से इक्वेट करके हमें वैल्यूज मिलती हैं यहां पर जब अगर आपको सीधे दिख रहा है कि यार हमारा जो रेडियस है वो एक पूरा एक इंटीजर है यानी यहाँ लगेगा ही लगेगा ठीक है ना ये चीज है अब आ जाओ उसने कहा है, ए बी सी डी दो कॉर्ड्स हैं एक सर्कल की सच दैट ए बी इतना सी डी कितना है अपोजिट है क्या मतलब एक सर्कल के एक तरफ है तो दूसरी दूसरी तरफ है तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे बना लेते हैं फिगर को हाँ है ना पूरी कॉर्ड नहीं आधी कॉर्ड तो बत्तीस का आधा ये सोलह हो गया ये साठ का आधा तीस हो गया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ठीक है अब यहां पर ट्रिपलेट लगेगा मुझे कैसे कंफर्म हुआ मुझे ऐसे कंफर्म हुआ कि यहां पे जो रेडियस है पूरा इंटीजर है ठीक है तो उसने बताया होगा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है फोर्टी सिक्स बस हमें यहां पर यह देखना होता है बस हमें यहां पे यह देखना होता है कि ये कौन सा ट्रिपलेट है देखो तीस प्लस सोलह तीस प्लस सोलह यह फोर्टी सिक्स हो गया ना बस यहां से कंफर्म हो गया कि ये एक ही ट्राइंगल को घुमा के रख दिया गया है ये 16 है तो ये कुछ होगा अब क्या हो जाएगा ये 30 है तो ये हमारा 16 हो जाएगा ये मेरे को बताना है क्या है क्लियर है तो अब आप इनको काटो किससे काटा हमने फोर से काटा फोर टाइम्स और नहीं फोर से कहां काट रहा है दो से गया आठ बार दो से गया पंद्रह बार आठ पंद्रह सत्रह हम तुरंत समझ गए सत्रह को दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उससे काटा था सेवनटीन टू या थर्टी फोर क्लियर है क्या ठीक है आगे बढ़ते हैं आ जाइए क्या कह रहा है इफ टू नंबर्स आर इफ अच्छा बता दूं इन शॉर्ट जब यहां पर रूट में आंसर होगा तब सवाल को कैसे किया जाता है उस केस में यहां पर एक्स मान लोगे तो ये फोर्टी सिक्स माइनस एक्स आ जाएगा क्योंकि रेडियस दोनों का सेम होगा तो सिक्सटीन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इजिक्वल टू तो फोर्टी सिक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस थर्टी का स्क्वायर ऐसे केस में आप जो है वहां पर एक्स की वैल्यू तो पुट नहीं होगी आपको इक्वेशन सॉल्व ही करनी पड़ जाएगी ठीक है चलो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ टू नंबर आर टेन परसेंट एंड ट्वेंटी परसेंट मोर देन द फर्स्ट नंबर देन फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड नंबर टू सेकेंड नंबर ठीक है थोड़ा सा सब्र से आराम से देखें कह क्या रहा है ठीक है कंपेरिजन फर्स्ट नंबर होता है फर्स्ट नंबर अगर मेरा हंड्रेड है तो ये हो गया आपका हंड्रेड एंड टेन और ये हो गया आपका वन ट्वेंटी ठीक है दो नंबर ऐसे हो गए फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड नंबर टू सेकेंड नंबर दिस अपॉन दिस तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जीरो से गया जीरो बारह बटे ग्यारह ठीक है एक ये भी दे रखा है कंफ्यूजन के लिए ठीक आगे बढ़े नेक्स्ट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन कंटेनर ए फोर रेशियो फाइव एंड कंटेनर बीस थ्री रेशियो टू दोनों को मिला देना है दो रेशियो एक में सी में डाल दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर अब देखो क्या हो गया कैसे करते हैं बहुत इजी सा सवाल है नहीं है देखो मिल्क वाटर का रेशियो दिया है ये दोनों को मिलाने पर टोटल क्वांटिटी कितनी आ रही है नौ no. और दूसरे में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है थ्री रेशियो टू तो थ्री प्लस टू कितना हो गया फाइव ठीक तो उसने कहा है कि हमें इन दोनों को इस रेशियो में लेना है तो क्या नाइन रेशियो फाइव टू रेशियो वन के बराबर होता नहीं तो बराबर करेंगे एक लाइन खींच देते हैं बराबर मतलब इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दो इसको नाइन से कर दो अभी तो ये बराबर हो गए नेक्स्ट इसको करना है टू रेशियो वन में तो इसको टू से मल्टीप्लाई करो इसको वन से ठीक यानी फाइव टू जा टेन टेन से मल्टीप्लाई कर दो इसे टेन फोर जै फोर्टी टेन फाइव जै फिफ्टी इसे मल्टीप्लाई कर दो नाइन से नाइन थ्री जै ट्वेंटी सेवन नाइन टू जै एटीन ये सब अब घट गया ये कितना हो गया सिक्सटी एट ये कितना हो गया आपका सिक्सटी सेवन तो सिक्सटी सेवन रेशियो सिक्सटी एट सिक्सटी सेवन रेशियो सिक्सटी एट जैसे ही मैं इसे टिक करूंगा क्या मैंने आपको बताया नहीं कि ए रेशियो बी अगर है और बी रेशियो ए भी ऑप्शन में तो एक बार क्रॉस चेक करो कि हमने गलती से मिस्टेक तो नहीं कर दी कि वाटर मिल्क कहा था और मिल्क वाटर पूछ लिया हो देखो मिल्क वाटर दिया था तो आगे भी ये रेशियो मिल्क वाटर का है और एंड में वाटर मिल्क पूछा है तो ये मिल्क वाटर का है वाटर मिल्क पूछा है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा यानी यहां पर फिर से सवाल क्या टेस्ट कर रहा है हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कि हम इस खुशी में तो नहीं सवाल को टिक कर रहे ये तो हो जाएगा क्लियर है और कुछ यहां पर बताने के लिए तो नहीं है ठीक है ना हाँ और 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 कुछ नहीं है ये वाली सारी बातें समझ में आ गई ऐसे में कई बार क्या होता है ये आपस में कट भी जाते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ ये अगर थ्री रेशियो वन कहता है कि इनको थ्री रेशियो वन में मिलाना है हाँ यहाँ पर एक और चीज़ है फाइव टू जै टेन नाइन जा नाइनटी देखो जिन्होंने ये सवाल छोड़ा या गलत किया नाइन फाइव ज फोर्टी फाइव तो अगर आप ये देखोगे ये रेशियो हो गया ना टू रेशियो वन मान लो वो कहता कि यार इसे थ्री और वन के रेशियो में मेंस में या कई बार ऐसे सवाल भी आए हैं तीन कंटेनर दे देगा लंबा करते जाएगा जैसे मान लो मैं ऐसे कहता है यहाँ पर पहले बराबर किया फिर थ्री रेशियो वन तो जब दोनों एक्स एक्स हैं फिर मैं उन्हें जिससे मल्टीप्लाई करूंगा वो उसी रेशियो में बन जाएंगे थ्री एक्स और एक्स 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 करके थ्री रेशियो वन मान लो ये रेशियो हो जाए तो आप देखो थ्री से तो ये थ्री काट सकते हो ऐसे केस में तो कैलकुलेशन कम हो जाती है जो नहीं काटता है उसके लिए कैलकुलेशन बढ़ जाती है देखो आप फाइव नाइन जा या नाइन फाइव जा कितना है फोर्टी फाइव रेशियो बी फाइव कितना है फिफ्टीन अब आप जरा रेशियो देखो हो गया ना तीन रेशियो वन तो वो चाहे तो आप पहले काटो चाहे बाद में काटो वो तीन तो कॉमन चल रहा है तो इसलिए हमने वो पहले ही काट दिया ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये काटने वाला ठीक है ना आगे बढ़े तो इस तरीके के पॉइंट में बताते जाऊंगा अब टाइम एंड वर्क के सवाल में कहां पर वो अटकाने की कोशिश करता है वो यहां पर ऐसे वैल्यूज देता है आजकल बड़े कि आप उसका एलसीएम ना ले पाओ जैसे ये इसमें दो तरीके ऐसे हम लेने के बच्चों वाला मेथड मत यूज़ करना 24 30 45 लिख रहे हो काटा पीटी कर रहे हो या तो इस बड़े नंबर को देखो ठीक है इसका टेबल हम पढ़ें यार पैंतालीस नब्बे तो नब्बे तो दोनों में आ गया लेकिन चौबीस में नहीं आ रहा फिर आगे हमने सोचा कि यार एक तो एक इसके में नहीं आता तो या तो हम वहाँ पर अटक जाएंगे अदरवाइज सीधे क्या करो लिख दो चौबीस तो ये वाला तरीका यूज करोगे बेटर रहेगा तो कई बार बड़े नंबर के टेबल पढ़ना भी आसान नहीं होता जैसे छत्तीस दे दिया सबसे बड़ा नंबर एक छत्तीस एक चौबीस एक बारह अब हम पढ़ रहे नहीं अटक पा रहे मान लो ठीक है या फोर्टी एट दे दिया तो उस केस में क्या होगा दो या तीनों नंबर ऐसे होंगे जो आपस में कट रहे होंगे कैसे करना है देखो ठीक है जिनको आता है बहुत बढ़िया ये तीनों नंबर किससे कटते हुए दिख रहे हैं मुझे थ्री से ठीक है यानी तीन सब में है तो हटाओ थ्री एट जो ट्वेंटी फोर थ्री टेन जै थर्टी और थ्री गया फिफ्टीन टाइम ऐसा करने से क्या होता है ऐसा करने से हमारा एल्सीयम भी फटाफट आ जाता है और हमें एफिशियंसी भी पता चल जाती है अब क्या हुआ एट टेन फिफ्टीन कई सारे बच्चों को अभी क्लिक कर गया होगा कि यार इनका एल्सीयम तो एक होता है बाई चांस क्लिक नहीं किया तो क्या है दस और पंद्रह या आठ और दो कैसे भी करो बा अब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करना बड़े नंबर्स में मुझे यहाँ दिखा कि यार मैं इन्हें फाइव से काट सकता हूँ तो फाइव से गया ये टू टाइम्स और फाइव से गया ये थ्री टाइम्स किससे काटा मैंने यानी फाइव दोनों में है लेकिन फाइव यहां पर है क्या नहीं है नहीं है तो यहां पर आ गया क्योंकि हमें हर एक नंबर में ये चीज़ चाहिए यह चीज़ मेरा फाइनली आना चाहिए तो यहां पर आ गया फाइव उसके बाद क्या आठ दो और तीन क्या अब आप इसका एल्शियम देख पा रहे हो हाँ यार अब तो ठीक है आठ और दो का एल्शियम आठ और आठ और तीन एल्शियम चौबीस तो चौबीस लिख दो ठीक तो एट कितने जा ट्वेंटी फोर तो भाई एट थ्री जा ट्वेंटी फोर टू कितने जा ट्वेंटी फोर तो टू ट्वेल्व जा थ्री कितने जा ट्वेंटी फोर एट जा यानी ये हो गया हमारा एल आप ऐसे देख लो थर्टी इंटू में ट्वेल्व कर दो थ्री सिक्सटी होगा या आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ये कितना आ गया आपका थ्री सिक्सटी और ये हमारी इनकी एफिशिएंसी आ गई ये आ गई पंद्रह या आ गया बारह ये आ गया आठ तो बड़े नंबर्स के लिए ये मेथड यूजफुल रहता है कह रहे ए और बी ने स्टार्ट किया वर्क को और पाँच दिन काम किया तो ए और बी एक दिन में कितना करेंगे ए और बी एक दिन में ट्वेंटी कर जाएंगे तो पांच दिन में कितना सत्ताईस इंटू में पांच वन थर्टी फाइव माइनस कर दो अब इतना काम बच गया ठीक है अब इन हाउ मेनी डेज डी वर्क फोर्टी परसेंट अब केवल डी काम कर रहा है ठीक है अब डी अकेला काम करेगा तो माइनस कर दो ये हो गया आपका पांच बचा यहां पे पांच पांच में से तीन गया तो दो और ये तीन माइनस एक दो अब दो सौ पच्चीस काम बचा है इसका फोर्टी परसेंट करवाना यानी फोर बाई टेन करवाना है इससे डी से Uh, does 40 of the remaining, अच्छा इसका 40 work करवाने D से और सी तो आठ है तो इसकी एफिशिएंसी सोलह होगी ये सवाल और थोड़ा सा बेहतर हो जाता अगर वो कहता कि डी की एफिशिएंसी जो है वो सी का या सी से पच्चीस परसेंट अधिक है सी से पच्चीस परसेंट अधिक है वहां पर होता है बाद में ये लिखना पड़ता छोटी तो छोटी चीजें आ चुकी हैं यहीं पर वो अटकाने की कोशिश करता है ठीक है भाई आ जाइए सॉल्व कर दो टेन को काट लेते हैं क्यों क्योंकि मुझे ऊपर फाइव भी दिख रहा है और टू भी ठीक है तो पांच से गया आपका दो बार और पांच से गए आपका फाइव फोर जा ट्वेंटी और फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव और दो से गए दो बार दो से गए आपका आठ बार तो फोर्टी फाइव बाई एट एसिमल में भी दे सकता था अभी फ्रैक्शन में ही दे दिया है करेक्ट है ठीक है ना एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद यूनिफॉर्म स्पीड देखो ये सवाल अगर आपसे नहीं हुआ तो यानी आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाए आपको पता है ये सवाल 2012-13 से आ रहे हैं और फिर भी अगर आपको लग रहा है ये लेटेस्ट सवाल है तो ये आपकी गलत फहमी है बारह तेरह के मेंस के पेपर देख लेना प्री के पेपर देख लेना मोस्ट रिपीटेड सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस करने के लिए आपको बहुत सवाल प्रैक्टिस करने फिगर एक बार आपका देखा हुआ होगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा अदरवाइज सवाल को आराम से पढ़ते हुए बनाना है ठीक है हाँ इसमें टाइपिंग भी मिस्टेक है शायद है ना पेपर में थी नहीं थी वो देखना है। ये हैं सिक्सटी मीटर नहीं है छः मीटर नहीं छः डिग्री है यहाँ पर डिग्री होगा अब क्या है? एक एरोप्लेन उड़ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से हॉरिजॉन्टली वन किलोमीटर अबव द ग्राउंड है मेरे हिसाब से थोड़ा लैंग्वेज में भी शायद गलती है बाकी आप तो इंग्लिश पढ़ रहे हो हमने तो छोड़ दी काफ़ी टाइम से ग्रामर वाली फिर क्या से होना चाहिए था एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल स्पीड वर्टिकली वन किलोमीटर अबव द ग्राउंड मतलब वर्टिकली अबव है ना ग्राउंड से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली तो ये होता है चलो जो भी है तो हम समझ गए वो ये चीज़ कहना चाह रहा है उसका एलिवेशन ये एंगल सिक्सटी डिग्री है समझो एरोप्लेन यहां उड़ रहा था एक किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहा था अब अगर सवाल पहले नहीं देखा होगा तो एग्जाम में कुछ बातें मन में आएंगी क्या यार ये एंगल सिक्सटी डिग्री है ठीक है और ये सोचना भी है आपको कि यार अब जब वो वो इधर आएगा या इधर आएगा एक सवाल पहले नहीं किया होगा तो एरोप्लेन को आप ऐसे भी उड़ाने लग जाओगे यार ऐसे जा रहा है उसका कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टली वो उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली वो उड़ रहा है ऐसे करके हॉरिजॉन्टल स्पीड है स्पीड हॉरिजॉन्टली है ना ये मूविंग हॉरिजॉन्टली आना चाहिए था बट जो भी है तो ये सवाल पहले देखा हुआ होना चाहिए किस हमारा एरोप्लेन इधर जाएगा या इधर जाएगा पहली बात दूसरी बात एरोप्लेन इधर भी जा सकता है यार इधर भी जा सकता है ऊपर नीचे नहीं करना है अभी इस सवाल में ऊपर नीचे वाला सवाल अलग है कि एक एरोप्लेन के ऊपर दूसरा एरोप्लेन आ गया एकदम ओवर एक के ऊपर एक आ गए थे फिर उसने देखा वो पायलट उसको देख पा रहा है एकदम उसके एग्जैक्टली नीचे है तो ऐसी सिचुएशन वाले सवाल भी आते हैं बट ये वो नहीं है ये वही एरोप्लेन आगे चला गया या इधर आ गया तो अब यह डाउट आए उधर जाएगा इधर तो वो एंगल बताएगा सिक्सटी डिग्री ऊपर होता है थर्टी डिग्री इधर मिट गया चलो ये सिक्सटी है ऐसे करूँगा तो थर्टी हो जाएगा ऐसे करूँगा बढ़ेगा बात समझ पा रहे हो यानी कि ये एरोप्लेन और आगे गया होगा तब जाके ये ऐसे एंगल बनाओगा ये थर्टी डिग्री बनाओगा ये एग्जैक्टली अभी भी वन किलोमीटर ही है मेन चीज़ यहाँ पर ये होती है ठीक और ये एंगल थर्टी डिग्री है आ जाओ फिर अब यहां पर बस यही है कि यार इस ट्रायंगल को पहले पकड़ लो या उसको इसको पकड़ लो किसी को भी पकड़ो ये एक है 60 के अपोजिट अगर 1 है तो 30 के अपोजिट छोटा होगा यहाँ पर बात करी थी हमने आईट एंड रूट थ्री के साथ खेलते हैं तो ये अगर 1 है तो ये छोटा होगा तो छोटा करने के लिए यहाँ पर रूट थ्री से डिवाइड कर दिया ये वन रूट थ्री है वन अपॉन रूट थ्री बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें इस वाले की तो ये वन है ठीक है ये हमारा वन है तो ये कितना होगा तो ये थर्टी है अब ये वाला एंगल थर्टी हो गया ठीक है ना तो थर्टी के अपोजिट वन है तो 60 के अपोजिट बड़ा होगा तो वन रूट थ्री या रूट थ्री किलोमीटर हो गया पूरा ये पूरा रूट थ्री है ठीक है ना अब उसने क्या कहा है या तो वो इस डिस्टेंस को दे देगा कि भाई इतने किलोमीटर वह आगे चला गया तो बताओ उसने कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा या फिर वो ये टाइम दे, दे देगा और स्पीड वगैरह पूछ लेगा ठीक है देखो उसने दे दिया है कि दस सेकेंड के बाद यहां से यहां दस सेकेंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन थर्टी डिग्री हो जाता है यानी ये डिस्टेंस जो है ये एरोप्लेन कितनी देर में करता है टेन सेकेंड्स में अब ये डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या ये पूरा रूट थ्री है ये पूरा वन बाई रूट थ्री किलोमीटर है यानी हम ये कह सकते हैं कि रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री इतना डिस्टेंस इतना किलोमीटर टेन सेकेंड में कर सकते हो तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा थ्री माइनस वन यानी कि टू ये किलोमीटर है तो इसके मैं मीटर बना लेता हूँ इतने मीटर पर सेकेंड और इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एटीन बाई फाइव से मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बना रहे हैं बड़ा कर रहे हैं 18 बाई फाइव याद कर रखने के लिए ऐसे याद किया था ठीक है ना बाकी रूट थ्री नीचे भी हो सकता है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी अभी सॉल्व तो करते हैं कहीं पर भी हो सकता है तो सॉल्व करना पड़ेगा जीरो से गया ये जीरो फाइव से गया ये आपका टू तो ये हो थ्री माइनस आ गया आपका टू तो टू टू जै फोर 18 इंटू चार बहत्तर बहत्तर सौ अपॉन रूट थ्री वो ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा हो सकता है रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे थ्री बन जाएगा ठीक है थ्री सिक्स जा एटीन तो छः दूनी बारह बारह दूनी चौबीस चौबीस और रूट थ्री ट्वेंटी फोर हंड्रेड आ रहा है बट ट्वेंटी टू फोर्टी होगा कहीं जीरो की गलती हुई होगी देखना जरा हाँ फाइव ट्वेंटी पूरा थाउजेंड नहीं था ये फाइव टू हंड्रेड नहीं होगा ट्वेंटी हो जाएगा ठीक है तो टू फोर्टी रूट थ्री सही है तो 720 आ रहा था ये इस तरीके से हो जाएगा क्लियर आगे क्या कह रहा है अ कार इज सोल्ड फॉर इतने रुपीज बाय अलाउंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली मार्क प्राइस दे रखी है एक्सकल्यू बताओ कई तरीके से बालक कर रहे होते हैं कि कितना है नेट डिस्काउंट कितना कुछ मत करो जब भी वो फरसाने वाला डेसिमल में देगा मुश्किल बनाएगा ना हम अटक जाएंगे सिंपल तरीका रखते हैं कि भाई देखो वो चीज़ थी कितने की सिक्सटी सिक्स हंड्रेड की आपने जो भी अप्रोच करी है ना उसको इससे कंपेयर करना कुछ नहीं रटना है। इतने रुपए की चीज थी ट्वेंटी परसेंट के डिस्काउंट के बाद वो इतने की हो जाएगी आया ना और X के डिस्काउंट तो 100 -X, 100 -X इसको मैं साफ सुथरा लिख देता क्योंकि इसी की मेन जरूरत है कितना हो गया हंड्रेड माइनस ट्वेंटी मतलब अब उसकी वैल्यू बीस परसेंट कम होगी तो एट्टी परसेंट बची एक्स परसेंट कम होगी तो इतनी बची और इसकी वैल्यू किसके बराबर है थ्री फाइव नाइन ज़ीरो फोर बाई टेन आपने एक चीज़ देखी होगी आज ही इसी सेशन में डेसिमल को हम टेन से रिप्लेस करते हैं। मैंने फिर से रिपीट कर दिया यानी हम एक एक चीज़ कांस्टेंट रखते हुए चलते हैं यार सवाल में भटकना ही नहीं है एक चीज़ हमारी कॉमन रहे ही रहेगी हम सिंप्लीफाई करते हैं ऐसा नहीं सवाल चेंज तो हमारा तरीका अप्रोच बदल जाएगा ना ज़ीरो से ये जीरो चला गया इस ज़ीरो से ये ज़ीरो चला गया आपको याद रखना आपको ये वाली चीज़ कभी भी टच नहीं करनी है है ना ये ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे मतलब ये ऊपर वाली हंड्रेड माइनस एक्स को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है मैं लिख दूँ यहां पर इसको ये नीचे वाला ज़ीरो नहीं इसको आप कभी भी टच नहीं करेंगे इस वाले पार्ट को ये है वरना मैं इस पूरे को एक्स भी लिख सकता था बट उसमें कभी कभी गलती हो जाती है या माइनस करना भूल जाते हैं इसको कभी टच नहीं करेंगे इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए तो कुल मिलाकर बात यह है कि इसकी वैल्यू कुछ आएगी जैसे डिस्काउंट टेन परसेंट होगा दूसरा वाला तो इसकी वैल्यू नाइन्टी आ जाएगी ठीक है तो ये लास्ट में देखेंगे यानी इससे ये पूरा कट ही जाएगा मेरे को सिक्सटी सिक्स दिख गया 66 सिक्सटी सिक्स का मतलब क्या है कि यार इलेवन से कट जाएगा इलेवन सिक्स जा सिक्सटी सिक्स इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री इलेवन टू जा ट्वेंटी टू है ठीक है सात बज गए सत्तर छः और चार ठीक और छः से भी कटी जाएगा फिर तो काट ही देते हैं सिक्स फाइव या थर्टी सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर एंड सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर फिर एट से भी जा ही रहा होगा जब बच गया तो एट नाइन ज सेवनटी इतना ऊपर नहीं एट एट जा सिक्सटी फोर एट सेवन जब एट सिक्स जा फोर्टी एट ठीक है फिर आपका बचा चौंसठ एट एट जै सिक्सटी फोर यानी कि क्या है कि हमारी जो वैल्यू वो सिक्सटी एट परसेंट बच रही है तो एक्स की वैल्यू समझ में आ गया यार सिक्सटी एट माइनस कर दो हंड्रेड में से कितना आ गया बत्तीस तो दूसरा जो डिस्काउंट है बत्तीस परसेंट केवल इक्वेशन और उसी को सॉल्व करते आना है चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आगे आइए डिजिट का नंबर है डिविजबल बाई सेवेंटी टू है ही तो हमने सेवन टू देखा तो हम समझ गए कि याराइन इन टू में एट है और एट का मतलब आखिरी के तीन डिजिट उसने कहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी पी और क्यू की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मैक्सिमम होगा ठीक है हमने तो लिखा है यहाँ पर सिक्स फोर पी क्यू फोर एट तो सबसे पहले यार एट को पकड़ लो नाइन तो बाद में देख ही लेंगे एट मतलब आखिरी के तीन डिजिट अब मैंने देखा अरे फोर्टी एट तो हमारा एट से जा ही रहा है और बड़ी वैल्यू चाहिए तो बड़ी वैल्यू जीरो नहीं नाइन से शुरुआत कर सकते हो आप या फिर जीरो से वन से इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो ठीक है तो नाइन अगर आप रखोगे तो नाइन तो ये फोर्टी एट डिवाइड हो रहा है नाइन मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा वो हमारा एट से जाना चाहिए मतलब देखो एग्जैक्टली exactly एट से नहीं मैं आपको बताऊं आप ये बात जानते हो कि टू हंड्रेड ये कौन सा डिजिट है हंड्रेड डिजिट है हंड्रेड जो है ये एट से डिवाइड नहीं होता टू हंड्रेड होता है तो टू हंड्रेड फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड एट हंड्रेड यहां पर नाइन नहीं यहां पर सीधे एट आएगा एट फोर एट क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है जैसे मैंने आपको कहा कि एग्जाम्पल के लिए क्या बताया जाए वन जीरो फोर ठीक है न जीरो फोर जो है आपका एट से डिवाइड होता है तो अगर केवल मुझे यही नंबर बदलना है तो अब थ्री जीरो फोर होगा फिर फाइव जीरो फोर होगा एंड सो ऑन बट इन सब चीज़ों को चलो रटो मत ठीक है तो एग्जाम में ना बेस्ट अप्रोच कुछ नहीं होता जो चीज़ आपको क्लिक कर दिया आपने नाइन से शुरुआत करी नाइन नाइन वन ज मतलब एट वन जो एट फिर आपने कहा यार फोर्टीन अब देखा चेक किया नहीं हो रहा फिर आप यहाँ पर एट ले आए एट वन जो एट अच्छा ये तो पहले ही डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एट फोर्टी एट ये हो गया इसको हटा दो क्यू की वैल्यू एट पता चल गई ठीक है नाइन से कटना चाहिए तो डिजिट सम तो देखो छठ अठारह बारह हो गया तो बारह में क्या जोड़े तो तो और क्या सत्ताईस हो सकता है एटीन, नहीं भाई। कोई भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता तो सिक्स और एट पता चल गया छह का स्क्वायर होता है छत्तीस आठ का स्क्वायर होता है चौसठ सौ आ गया हंड्रेड इज करेक्ट देने? आ आगे आ जाओ अभी कह फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अब ये क्या है कि हम देखते ही भ्रमित हो जाए कि भाई ये क्या पूछ लिया सवाल कई बार ऐसे होते हैं होते ईजी हैं बट देखते हम घबरा जाते हैं कि यार इतनी लंबी चीज पूछ दी है, है हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो ऐसे सवाल आप <coughs> देखो पेपर को जो है आपको दो गो में करना होता है जैसे एक तो सवाल वो जो आपको हंड्रेड परसेंट श्योर होता है ये मेरा हो ही जाएगा कॉन्फिडेंस है भले चाहे नया सवाल को ना आ जाए बट वो दो ही लाइन का है हम पढ़ दे गए हमें समझ में आ गया हमने कर दिया एक सवाल होता है देखते ही आत्मा थोड़ी घबरा जाती है यार पता नहीं क्या पूछा कुछ समझ में नहीं आ रहा ऐसे सवाल को कभी भी मत करो जो आपको अंदर से लग रहा है ना यार मतलब फिफ्टी फिफ्टी है पता नहीं होगा नहीं होगा उसको स्किप करो पहली बार में तो आप ये पाओगे ये आपको पता है कि यार समझ में आ रहा है इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं कैसे कैसे एक्स एकस की वैल्यू निकालेंगे वाई की निकालेंगे और फिर आगे वैल्यू पुट करके कर देंगे लेकिन हल्की घबराहट हो रही है बिकॉज ऑफ नंबर्स तो आप वहाँ पर स्किप कर दो तो सवाल बेसिकली मेरा मानना है तीन टाइप के होते हैं एक हो जाएंगे या नहीं होंगे नहीं हो में दो नहीं होने में दो टाइप होते हैं एक तो बिल्कुल खबर नहीं पड़ रही है बिल्कुल दूर दूर तक खासकर एडवांस वाले यार ये अब समझ में नहीं आ रहे कैसे होगा यह कोई लैंग्वेज वाला सवाल है बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है बहुत लंबा देखा है दूसरा हम अभी इसमें बढ़ नहीं रहे हम इसे अभी बढ़ नहीं रहे लेकिन हो सकता है कि ये हो जाए जैसे ये वाला सवाल ऐसे सवालों को मार्क फॉर रिव्यू करो तो ये आपने पहले कर लिया अगली बार आप इनको करोगे और दो या तीन सवाल ऐसे होने चाहिए मैक्सिमम जो आपको बिल्कुल खबर नहीं हो रही है तो फिर पहले ये किया फिर ये किया भले फिर लास्ट में टाइम बचता तो हम इसे फोकस करेंगे ये दो गो है मतलब एक बार ये फिर, ये फिर ये फिर ये लास्ट में तो तीन कहना तीन कह लो ठीक है ना आ जाओ सवाल पर तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो यार यहां पर अगर मैं माइनस करूं तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पॉइंट फाइव में आ जाएगा टू पॉइंट वन पॉइंट फाइव ठीक है यहाँ पर नीचे कितना है यह आ गया आपका पॉइंट फाइव और एट माइनस वन सेवन डेसी में से पंद्रह पंजे पिचहत्तर तो मुझे मिल गया एक्स की वैल्यू वन बाई फाइव है अब मेरे को लग रहा है हाँ ठीक है अब तो हो जाएगा नीचे नीचे ठीक है ऐसे ही वाई की वैल्यू देखो तो दो में से दो गया जीरो यहाँ पे हो गया तेरह तेरह पाँच और तीन आठ हो गया आपका पाँच में से एक गया चार चार में से एक गया चार में से तीन गए तो एक ठीक है यहाँ पर आ गया जीरो सात में से पाँच गए तो दो ग्यारह छः सात ठीक है अठारह से चार बार तो यार ये वाई की वैल्यू वन बाई फोर गई, अब हो जाएगा अब उसने क्या कह रखा है वन अपॉन एक्स का स्क्वायर तो वन अपॉन एक्स फाइव ये फाइव का स्क्वायर हो गया पच्चीस ऐसे चार का स्क्वायर सोलह और फाइव इंटू में फोर ट्वेंटी ये जोड़ दो छः 5 ग्यारह कह रही क्या एक दो दो चार और दो छिक्स सिक्सटी वन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है आगे आ जाइए क्या कह है भाई ये सवाल सवाल कह रहा है द हाइट एंड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली फाइंड द द वैल्यू ऑफ ऑफ टोटल एरिया कोन ठीक है अगर टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है पाई प्लस पाई आर पाई प्लस आर स्क्वायर या आर ब्रैकेट में एल प्लस आर तो हमें उसने एल दे रखा है दे रखी है और हाइट दे रखा है यानी यहां पर मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकालना पड़ेगा मुझे निकालना पड़ेगा रेडियस ऑप्शन हमारे सारे पाई में तो पाई को तो आप हटा दो तो अब मन में एक बात ये आ रही कि यार हो सकता है यहां पर ट्रिपलेट वाला चीज काम कर दे तो ट्रिपलेट के लिए क्या करो सीधे इनका रेशियो ले लो तो वन जीरो टू फाइव डिवाइडेड बाई टू सिक्स सिक्स फाइव ठीक है तो पच्चीस से भी नहीं कट रहा है पांच से ही कट रहा है तो फाइव टू जी टेन फाइव जीरो जीरो फाइव फाइव जवेंटी फाइव ये फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव या फिफ्टीन ये सर ये हो सकता है ये प्राइम नंबर ही है पांच तीन आठ ये भी नीचे वाला ही प्राइम नंबर सा ही लग रहा है तो ये आगे तो नहीं कट रहे हैं है ना अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं आगे हो ही नहीं पा रहा है तुरंत छोड़ दो तो फिर एकदम बेसिक पे आ जाओ कैसे कि भाई हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर तुरंत यहाँ पे ए प्लस भी इंटू ए माइनस भी लगाया करो तो ए है ना एल प्लस एच इंटू एल माइनस एच दोनों को जोड़ोगे तो पांच और पांच हो गया जीरो कह रही है एक छः दो आठ एक नौ ये आ गया पॉइंट और क्या कर रहे थे पहले जोड़ लेते हैं ठीक है जीरो छः दो आठ एक नौ और यहाँ पर आ गया आपका छ और दो और एक तीन थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन इंटू में दूसरा क्या है अपना माइनस कर देते हैं तो पाँच में से पाँच गया जीरो छः में से दो गया चार छब्बीस में से दस गया तो आपका आ गया सोलह डेसीमल हटा दो नीचे टेन लिख लो ठीक है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी का तो तोड़ना पड़ेगा तोड़ लेते हैं ये मेरे को चार से कटता हुआ देख रहा तो ये चार इंटू में इकतालीस है ठीक है ना और ये नौ नौ से कट रहा है तो नाइन इंटू में कितना है नाइन इंटू में नाइन इंटू में अच्छा फोर्टी वन बहुत बढ़िया तो देखो यानी आर की वैल्यू कितनी होगी नीचे दो टेन है तो एक टेन तो ये हो गया ऊपर नाइन है नाइन का रूट तीन और चार का रूट दो और दो बार फोर्टी वन है तो ये मेरी आर की वैल्यू हो गई इसे सॉल्व कर रहे है ना है नहीं करना है आगे देखेंगे अभी तो हम इसे टच नहीं करने वाले ठीक है आर की वैल्यू पता चल गए अब आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं ठीक है थ्री इंटू में टू कॉल करना पड़ जाएगा क्योंकि ऐड करना है ना कोई बात नहीं है डिवाइडेड बाई टेन ठीक है एल कितना भाई एल स्ल स्लेंट स्लेंट बड़ी वाली टू सिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव दिया कोई दिक्कत नहीं है समझो ये मॉक का सवाल है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी इन कंपेजन टू एक्चुअल पेपर आर की वैल्यू कितनी है थ्री टू जैसा सिक्स सिक्स टूज सिक्स छः चौक चौबीस टू फोर सिक्स तो टू फोर सिक्स ऐसा कर सकते हैं कि टू फोर सिक्स एक जीरो ऐड कर देता हूँ तो नीचे भी दो जीरो हो जाएंगे ऐसा करने से क्या हो गया दोनों को ऐड कर देंगे फटाक से ठीक है तो ये हो गया आपका थ्री इंटू में टू इंटू में, में फोर्टी वन इन टू में ये हो गया फाइव छः और छः बारह कह रही गया एक तीस चालीस पचास इक्यावन डिवाइडेड बाई हंड्रेड और यहाँ पर है डिवाइडेड बाई टेन अब देखो यार क्या मेरे को ये काटना चाहिए बिल्कुल काटना चाहिए क्योंकि ऊपर टू भी है और यहाँ से फाइव भी है दो से गए पांच बार फाइव वन जो फाइव फाइव जीरो ज़ा जीरो फ़ाइव टू टेन एंड फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव ठीक है अब हंड्रेड है नीचे ऊपर लेकिन फाइव है टू नहीं है अब हम नहीं काटेंगे देखते हैं क्या ऑप्शन से कर सकते हैं तो अगर आप देखो यूनिट यूनिटिट फाइव फाइव एंड तो यूनिट डिजिट होगी फाइव तो केवल अगर यूनिट डिजिट से करोगे तो कहोगे हो ही नहीं पाएगा लेकिन नीचे हंड्रेड है यानी पॉइंट समथिंग फाइव यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है देख रहे हो ऐसा नहीं है ना कि मैं सवाल लेके आपको प्रीवियस ईयर या मॉक वाले सवाल करा रहा हूं तो यूनिट डिजिट वाला जो कंसेप्ट है विद फैक्टर एंड जीरो बहुत औसम awesome काम करता है ठीक है चलिए आगे बढ़े बढ़ जा भाई क्या हो गया था इसे चलिए अ बोट कैन रो एट ए स्पीड ऑफ इतने किलोमीटर पर आवर एंड इतने किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड दे दी बोट की टाइम टेकन बाई बोट टू रो डिस्टेंस ऑफ इतना कम बैक ठीक है देखो तो 10.8 किलोमीटर जाना है और इतना ही हमें आना है दोनों जो स्पीड दी हुई है उसे डिवाइड कर देंगे मतलब दोनों नहीं एक बार डाउन स्ट्रीम एक बार अप स्ट्रीम तो एक बार इसमें वो ऐड हो जाएगी ऐड कर दो जरा तो ये हो गया आपका आठ और चार बारह एक बार क्या कर दो माइनस कर दो तो उसमें मैं पॉइंट फाइव ऐड कर दूं। ठीक है तो फोर पॉइंट टू फाइव और फोर एड कर दो ठीक डेसिमल से डेसिमल हटा दो डेसिमल से जीरो लगा दो फोर्टी फाइव नाइन ट्वेल्व जै वन जीरो एट ठीक ये जा रहा है बारह से दस बार और ये जा रहा है बारह से नौ बार एलसीएम ले लें गया टेन ऊपर क्या आ गया नाइन प्लस बारह दूनी चौबीस चौबीस और नौ तैंतीस थ्री पॉइंट थ्री आ गया खत्म कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं करना कि कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करने लग जाओ करने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं है ना केवल आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए ट्राई करना क्या ये सवाल एवरेज स्पीड से भी आप ऐसे कर सकते हो कि बोट की डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आई आपकी ट्वेल्व अप स्ट्रीम फोर पॉइंट फाइव यहाँ से एवरेज स्पीड आ जाएगा कितना टू एक्स वाई टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बारह और चार सोलह पॉइंट पाँच ये एवरेज स्पीड होगी इस स्पीड से टेन पॉइंट एट जाना टेन पॉइंट एट आना यानी टू इन टू में टेन पॉइंट एट डिस्टेंस करना है टू तो से ये टू कट जाएगा इसको ऊपर ले जाना डेसिमल को हटा देना सॉल्व हो जाएगा वही चीज आ जाएगी ये केवल और केवल कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं अदरवाइज बेसिक इज ऑलवेज बेस्ट जो चीज आपको एग्जाम में सबसे पहले क्लिक करती है वो बेस्ट होती है ठीक आ जाइए कह रहा था थ्री साइड्स ऑफ अरे बाप रे कैसा ट्राइंगल दे दिया थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगलर इतना फाइंड द रेशियो ऑफ ऑफ रेडियस सर्कल इंस्क्राइबिंग एंड सर्कम्सक्राइबिंग द ट्राइंगल ठीक है चलो सबसे पहले लिख लेते हैं आर बराबर होता है हमारा डेल बाई एस और कैपिटल आर यानी कि सरकम रेडियस हो जाता है हमारा ए बी सी जहां पर ए बी सी साइड से और अपॉन फोर डेल्टा अब देखो यार ये ये हो गया अब यहां पर एक तो तरीका ये है दूसरा अब ये कौन कौन से ट्राइंगल हो सकते है? क्या ये इक्वरेटल ट्राइंगल है नहीं है आइसोसलेस भी नहीं है कोई स्पेशल केस नहीं बन रहा ये स्केलन ट्राइंगल है स्केलन ट्राइंगल का मतलब सेमी अच्छा जोड़ो डिवाइड बाई डू करो और यहां हीरोम्ला लगाना पड़ेगा ऐसे यहां हिरोसॉम्ला ए बी सी तो अगर यहां पर हीरोन्स सामला लग रहा है अगर यहां पर हीरोन्स हीरोमला लग रहा है तो तो काफी कैलकुलेटिव है अदरवाइज कई बार ऐसा देखा गया है। जब बहुत बड़ी वैल्यूज हो वैसे इतनी बड़ी तो नहीं आई है तो संभावना हो सकती है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो उसको चेक करने के लिए आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो बेसिक टेस्ट है है ना कि उसके हिसाब से हम आंसर देख लेंगे आ रहा है नहीं आ रहा है देखो बेसिक टेस्ट ये है कि 144 का जब आप स्क्वायर करोगे तो चार का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना तो ये और छह यानी कि जो मेरी साइड है उसकी यूनिट डिजिट या तो वन हो नहीं है या वन कैसे आ सकता है नाइन के स्क्वायर से तो है यानी ये नाइनटी जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा अदरवाइज सवाल बहुत गंभीर बन जाएगा ठीक है ना तो अगर ऐसा है तो स्मॉल आर और कैपिटल आर ये हमारा इसके लिए इस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इसके फॉर्मूले हो जाते हैं हमारे पी प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई टू और ये हो जाता है हमारा का आधा परिकेंद्र होता है यहाँ पर ठीक आ जाओ तो यानी इसका मतलब उसने हमें क्या पूछा है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर तो दिस अपॉन दिस तो इस टू से तो ये टू कट जाएगा पी प्लस बी माइनस एच तो P पाँच और चार नौ नौ में से नौ गया तो जीरो छः और चार दस दस में से एक गया तो नौ एक और एक दो तो नब्बे अपॉन एच हाई टू वन नाइन टू वन नाइन कट रहा है क्या ये तो ऑप्शन नहीं है नहीं कट रहा होगा नौ है नौ नहीं थ्री तीन से गई है आपका तीस बार और थ्री से ट्वेंटी वन सेवनटी थ्री थर्टी अपॉन सेवनटी थ्री ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आगे बढ़िए इफ आर वन एंड आर टू इफ द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर आर वन एंड आर टू एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज डी तो मैक्सिमम टू कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इफ अधिक से अधिक दो बन सकते हैं अधिक से अधिक दो बन सकते हैं यार अब अधिक से अधिक दो मतलब कि अगर ऐसे हैं तो, तो चार बन गए ऐसे हैं तो दो बन गए अच्छा अगर ऐसे हैं तो मैक्सिमम दो बन सकते हैं है ना और क्या केस बन सकता है एक के लिए एक के लिए ये वाला केस हो जाएगा जीरो के लिए कंसेंट्रिक सर्कल हो जाएंगे तो ये कुछ केसेस है और कोई केस तो नहीं है ना और कोई केस नहीं है तो वो इसकी बात कर रहा है अगर आप इसकी बात करो तो डी जो है वो दोनों के रेडियस के सम से अगर हम इसकी बात करें तो जो डी होगा अब ये सोच रहे हैं रटने वाली चीज ही नहीं एग्जाम में देखेंगे आर वन प्लस आर टू से अधिक तो डी शुड बी ग्रेटर देन आर वन प्लस आर टू रटना नहीं है ये सब ये कब होगा यानी कि एग्जैक्टली टू नहीं यहाँ पर तीन बन जाएंगे एग्जैक्टली exactly टू हमारे कब हो जाएंगे जब दोनों के सेंटर के बीच की दूरी और मतलब जो सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम के बराबर हो जाएगा तो d R1 R2. यहां पर देखो जो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी है वो रेडियस को जोड़ने से दोनों को जोड़ोगे उससे कमी हो जाएगी तो d इज लेसर देन आर वन प्लस आर टू ठीक है और इसमें तो मतलब वही ये तो अलग ही चीज होगी कि भाई कंसेंट्रिक सर्कल्स ठीक है इसमें और कुछ बनेगा इसमें सोचना पड़ेगा ठीक है तो ये वैल्यू के हिसाब से हम सोचेंगे लेकिन अभी ये वाला केस है ही नहीं होगा तो हम इसके बारे में भी सोच लेंगे जैसे कैसे सोचेंगे देखो भाई सो, दिमाग है तो सोच ही लेंगे ठीक है चलो यहीं बता देता हूं मैं ऐसा करता हूँ बड़े वाले का रेडियस मैंने पांच मान लिया छोटे वाले का रेडियस में मान लेता हूं तीन तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी ये पूरी पाँच की तो दो फाइव माइनस थ्री तो ये हो गया आपका डी वन माइनस डी टू इज इक्वल टू सॉरी आर वन माइनस आर टू और उसके बाद मोड़ आ जाएगा थोड़ा सा गंदगी फैल गया आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट ठीक है जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू आर वन माइनस आर टू मोड का मतलब क्या है कि यार पॉजिटिव वैल्यू यानी बड़ी में से छोटी माइनस करना है हमें गलती से छोटी में से बड़ा माइनस कर दिया तो मोड़ ले लेंगे ताकि वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो ये हमारा केस हो जाएगा अब देखो ये तो है नहीं इक्वल टू डी ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा ये भी हटाओ एलिमिनेट करो आर वन आर टू ये पता नहीं क्या ही लिख दिया है तो यही होगा फिर देखो डी इज लेसर देन आर वन प्लस आर टू दे रखा है ये आर वन माइनस आर टू कहना चाह रहा होगा तो वो ये वाला केस हो सकता है रटो मत कभी भी जब थोड़े टेढ़े सवालों में एलिमिनेट कर जाओ तो ये हमने नहीं देखा हमने इसी से कर दिया ये भी कंडीशन बनती होगी ठीक है ना आ जाओ अब आ गया अपना सवाल प्रोबेबिलिटी का क्या कह रहा है भाई एक मैथ्स की प्रॉब्लम है ठीक है जो कि चार स्टूडेंट्स को दी गई ए बी सी और डी को देयर चांसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर इतना व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व विल बी सॉल्व्ड अच्छा तो ये सीधे सीधे तो हो नहीं पाएगा ठीक है कहीं से सवाल छूटा होगा तो किसी चीज के होने की संभावना वन होती है ये टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कहें सवाल होगा या नहीं होगा दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो वन है तो मुझे यहां पर यह पता है कि यार ये इसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है इसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लिटी है इसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लिटी है इसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये है, है तो तीनों के तीनों एक साथ उस सिचुएशन में हो यानी हम यहां पे इसे कैसे कर सकते हैं वन माइनस में प्रोबेबिलिटी कि ए सॉल्व ना कर पाए साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी कि बी भी सॉल्व ना कर पाए मतलब जब पांचों पांच है कितने चार ये चारों सॉल्व ना कर पा रहे हूं थोड़ा सोचने वाला सवाल है कि भाई सवाल सॉल्व हो जाए ये नहीं कह रहे कि ए ही करे बी ही करे सी ही करे डी करे व्हाट इज द प्रॉबलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो यानी एक एक ही ऐसा केस होगा जब ये चारों ही ये वो प्रॉब्लिटी जब ये चारों ही सॉल्व ना कर पा रहे हो उसे अगर टोटल में से माइनस कर देंगे तो यानी ये उसकी प्रॉब्लटी आ जाएगी कोई ना कोई तो सॉल्व कर पाएगा चाहे ए कर दे चाहे बी कर दे चाहे सी कर दे चाहे डी कर दे चाहे ये दो कर दें ये दो ऐसे कई केस बन जाएंगे चाहे ये सारे कर दें लेकिन वो केस हटा दो उसकी प्रॉबिलिटी हटा दो कि ये चारों ही कर पाएंगे तो जब कोई भी दो केस या तीन केस एक साथ हो रहे होते हैं है तो ना ये एंड ये तो वहां पे प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है ए और बी ए या फिर बी तो वहां पर फिर यूनियन हो जाता है ए यूनियन बी ठीक है प्लस हो जाती है प्रोबेबिलिटी तो यहां मल्टीप्लाई करना तो वन माइनस में वन बाई टू होने की प्रोबेबिलिटी है तो ना होने की भी वन बाई टू वन बाई थ्री होने की प्रोबेबिलिटी है जब भी यहां पर आ जाए डैश ए डैश मतलब उसका उल्टा तो टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है तो बी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी वन माइनस वन बाई थ्री तो आ गया आपका टू बाई थ्री ये आ जाएगा वन माइनस वन बाई फोर थ्री बाई फोर ये ऐसे आ जाएगा फोर बाई फाइव तो वन माइनस में वन बाई फाइव यानी फोर बाई फाइव प्रॉबलिटी है इसके होने की कभी कभी वो इसको परसेंटेज में दे सकता तो by into में 100. है तो फोर बाई फाइव इंटू में हंड्रेड क्लियर है आ जाइए ये सवाल काफी काफ़ी कम स्टूडेंट से शायद हुआ हो ठीक है प्रॉबिलिटी का ही सवाल है बढ़िया सवाल है ठीक है ना तो पहले तो आप ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना पड़ेगा यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखा है आप सर्च करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाई दीक्षित सर आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा वो तो दो चीज़ें होती हैं बेसिक तो यहीं पर हम अटक जाते हैं कि यार एन पी आर एन सी आर में क्या अंतर है पी का मतलब होता है परम्यूटेशन सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मतलब मैं चूज कर रहा हूँ केवल जैसे मान लो मेरे पास चार लड़के हैं मेरे को इनमें से कोई दो सिलेक्ट करने हैं सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन मतलब मैंने ए पहले लिया बी बाद में या बी पहले लिया ए बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब उनकी सीक्वेंस मैटर नहीं करती लेकिन यहाँ सीक्वेंस मैटर करती है ए लिया पहले बी बाद में और बी पहले लिया ए बाद में तो ये दो अलग अलग केस हो गए यहाँ पर सेम होता है इसलिए जनरली इसकी वैल्यू इससे बड़ी होती है ठीक है ये क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आप वो वीडियो देखना जरूर ठीक है तब ये वाला सवाल ढंग से समझ में आएगा अभी बहुत ज़्यादा हम डिटेल में, में यहाँ पे नहीं जाएंगे कि जीरो फैक्टोरियल वन होता है है ना क्योंकि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल ठीक अब यहाँ पर क्या कह रहा है भाई यहाँ पर चूज करना है अरेंज करना है देखो कह रहे दो कार्ड हमने निकालने हैं रेंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स ठीक है वॉट इज द प्रॉबलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक और किंग्स यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और किंग कैसे करते हैं और का मतलब होता यूनियन सेट्स में पढ़ा होगा ना तो सेट वाले अपने सवाल आते हैं कैसे हैं इतने लोगों को चाय पसंद है इतनों को कॉफी इतनों को दोनों तो बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिनको चाय या कॉफी पसंद है तो क्या करते थे पी मतलब ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस करो प्रोबेबिलिटी किसकी ब्लैक इंटरसेक्शन किंग वो ब्लैक किंग हो ठीक है आ जाओ. तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दो कार्ड हमें चूज करने हैं और मैं चाहता हूं कि वो ब्लैक हो तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे फेवर में कितनी संभावना है और टोटल ऑप्शंस क्या है मेरे फेवर में आना चाहिए मतलब मैं दो कार्ड निकालूं और वो ब्लैक आ जाए तो सबसे पहले देखो ब्लैक कार्ड होते कितने छब्बीस तो उन छब्बीस में से निकालने चूज करने कितने कार्ड दो कार्ड छब्बीस में से दो चूज़ करने हैं अच्छा टोटल कितनी संभावना होती है फिफ्टी टू केसेज हैं मतलब फिफ्टी टू कार्ड्स हैं उसमें से दो चूज़ करने पहले बेसिक समझो प्लस अब मैं चाहता हूं कि मेरे को किंग मिले कोई भी कलर का हो तो बताओ फिफ्टी टू पत्ते में चार किंग होते हैं दो ब्लैक दो रेड है ना यानी वो चार में से ही मेरे को दो चूज करने हैं टोटल संभावना तो यह है कि फिफ्टी टू पत्ते कोई भी दो आ जाएंगे प्लस नहीं माइनस ब्लैक चाहिए और किंग होना चाहिए तो सबसे पहले देखो इंटरसेक्शन ही कॉमन सबसे पहले समझो कि ब्लैक किंग होते कितने तो चार किंग होते दो रेड दो ब्लैक तो ब्लैक किंग होते तो दो हैं उन दो में से चाहिए कितने दो ही तो निकाल रहे हैं एक तो निकाल रहे तो दो में से दो चाहिए वो दोनों ही चाहिए माइनस कर दो क्या फिफ्टी टू सी टू बेसिकली इसको माइनस इसलिए किया जाता है वही वाली भी बात है जो हमारी वही मतलब इतने लोगों को चाय पसंद है कॉफी पसंद है जो परसेंटेज में डिस्कस किया था कि ये वाली चीज़ ना दोनों में आ जाएगी इसमें भी आ गई इसमें भी आ गई तो एक बार वो माइनस इसलिए करनी पड़ती है अब सॉल्व करने के लिए फिर वही एलसीएम ले, ले लेते हैं डिनोमिनेटर तीनों में सेम है ऊपर ऊपर की वैल्यू निकालो छब्बीस सी अब इसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लें फटाक से देखो यहाँ पे कर रहा हूँ छब्बीस सी टू मतलब छब्बीस फैक्टोरियल अपॉन छब्बीस में से दो गए 24 फैक्टोरियल इंटू में दो फैक्टोरियल तो 24 फैक्टोरियल मतलब एक से लेकर 24 तक मल्टीप्लाई 26 छब्बीस मतलब तो तो है लास्ट से उतने नंबर ले लो ये तो कट ही जाएगा चौबीस फैक्टोरियल से चौबीस फैक्टोरियल कट गया पच्चीस छब्बीस बच गया और नीचे दो यानी इसको मैं कैसे लिखूं एग्जाम में दो है मतलब कि लास्ट के दो बचेंगे छब्बीस इं में पच्चीस क्योंकि छब्बीस माइनस दो चौबीस फैक्टोरियल तो कट जाएगा डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल मतलब टू प्लस अच्छा नीचे कितना चलता रहेगा फिफ्टी टू नीचे टू है फिफ्टी टू मतलब फिफ्टी टू होगा एक एक होगा फिफ्टी वन और नीचे आ जाएगा टू इंटू में टू फैक्टोरियल मतलब टू इंटू में वन वही होगा सब में वही है ऊपर फोर सी टू यानी फोर फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल का मतलब फोर इन में थ्री आ जाएगा बाद में एक टू फैक्टोरियल तो कट जाएगा फोर माइनस टू और बचेगा यहां पे टू प्लस देखो टू सी टू एन सी एन वन होता है बट उसको रटो मत ठीक है ना टू सी टू मतलब की हो गया आपका टू फैक्टोरियल टू इन टू में वन डिवाइडेड बाई अब नीचे क्या आ जाएगा आपका फिर से टू फैक्टोरियल आ जाएगा यानी कि टू इन टू में वन इन टू में टू माइनस टू यानी कि जीरो जीरो फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल वन होता है तो ये तो वन बन गया लेकिन सब में टू चल रहा है नीचे टू में काटना चाहता हूँ तो ऐसा करते हैं इसको टू ही रहने देते हैं अब काट दो सबका टू काट दो अब केवल कैलकुलेशन है आप इस चीज़ पर ही फोकस करो यहाँ तक आना है बस अब सॉल्व करने का पार्ट बचा वो तो हो ही जाएगा ये सब में दो था हमने काट दिया ठीक है ना अब फिर से मुझे आगे सब में दो दिख रहा है टू वन जा टू 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 जा फोर और दो से गए आपका तेरह बार दो से इसको काट दो आप कितनी बार टू टू जा और टू सिक्स जा कितना आ गया पच्चीस या पिचत्तर और पच्चीस या पिचहत्तर पच्चीस से कम पच्चीस और सात थर्टी टू थ्री टू जा सिक्स और प्लस वन सेवन तो ये हो गया आपका कितना सात और पाँच बारह कैरी गया एक दो एक तीन और ये तीन थ्री थ्री टू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी सिक्स इंटू में फिफ्टी वन तो फिर से अभी ट्वेंटी सिक्स बचा हुआ है यानी कि यहाँ से दो कट जाएगा दो से गया ये तेरह बार टू वन जा टू टू सिक्स जा ट्वेल्व एंड टू सिक्स जा ट्वेल्व ठीक है तो 166 तो दिख रहा है बस ये और आ जाए तो सही है थर्टीन बन जाए थर्टीन और तेरह पंजे पैंसठ नहीं भाई ये तो नहीं आ रहा है दो से गया तेरह एक कम तेरा ना ये नहीं है ओ हो 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 यहाँ पर गलती से मिस्टेक होगी ना यहाँ प्लस थोड़ी करना था ये माइनस करना था तभी 166 सिक्सटी सिक्स बाई नहीं आ पाया तब पेस्ट हो गया तब हुआ क्या वेस्ट नहीं यहीं से करते हैं चलो 325 था 325 में तीन दूनी छः और एक पाँच माइनस कर दो पाँच तीन सौ थ्री थर्टी हो जाएगा यार सॉरी थ्री थर्टी और कुछ तो गड़बड़ नहीं हुई है ये छब्बीस ये इक्यावन ठीक है दो से इसको काट देता हूँ पाँच बार दो से, से काट देते हैं तेरह बार तीन से गया ये ग्यारह बार और तीन से गया ये आपका सेवनटीन टाइम्स अब हो गया ग्यारह इन टू में पाँच पचपन सेवनटीन थ्री सा फिफ्टी वन सेवनटीन जो सेवनटीन सेवनटीन प्लस फाइव ट्वेंटी टू ये रहा ठीक है तो ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी पता नहीं कैसे तो दिस इज द राइट आंसर तो काफी बढ़िया सवाल था नहीं हुआ एग्जाम में या मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है बट तो इस कंसेप्ट को समझिए ठीक आगे बढ़े अब देखो ये वाला जो सवाल है ना ये आप प्रीवियस ईयर की किताब में देखना बहुत पुराना सवाल है हमारे टाइम से आ रहा है ठीक है और फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं हमने प्रीवियस ईयर की किताब नहीं देखी है देखो ना ये इसका आंसर हटा हुआ आपको होना चाहिए तो टाइम से हो जाए क्योंकि बहुत बार आ चुका है ये आता है आपका वन अपॉन साइन कॉस प्लस वन ठीक अब वैल्यू पुटिंग करोगे फोर्टी फाइव हम पुट कर रहे होते हैं तो फिर नीचे डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड बन जाता है जीरो आ गया तो ये पूरी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी करना कैसे केवल साइन कॉस में बदल दो और सॉल्व करते जाओ ठीक है तो ये कितना है आपका टेन मतलब साइन अपॉन कॉस अपॉन वन माइनस में कॉस अपॉन साइन प्लस कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन डिवाइडेड बाई वन माइनस में साइन अपॉन कॉस अब बस यहाँ पर आराम से सॉल्व करते जाना है यहाँ पर आप एल्शियम ले लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा ये अब ए बाई भी करते हुए लिखते जाओ क्या हो गया ये क्योंकि तो आपका साइन बाई कॉस इन टू में साइन ऊपर पहुंच गया नीचे क्या आ गया आपका ये ये है 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 आपका cos sin, में ऊपर पहुंच रहा है बस ठीक है? अरेंज कर दी अब अगर आप यहां पे देखो कॉस माइनस कॉस नहीं कॉस माइनस साइन ठीक यहां साइन माइनस कॉस है या कॉस माइनस साइन है तो यहां अगर मैं माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं कुछ इस तरीके से ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा आपका साइन माइनस कॉस ऐसा करने से क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में एल्सियम लेना आपके लिए आसान हो जाएगा तो ये चीज़ तो दोनों जगह होगी ये कितना हो गया आपका एक तरीके से कॉस थीटा इंटू में साइन कॉस इंटू में साइन इंटू में साइन माइनस कॉस तो दोनों जगह यहाँ कॉस है केवल साइनेड हो गया ये चीज़ तो वैसी की वैसी तो साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया साइन क्यूब माइनस थोड़ा मतलब ये वो तरीके का सवाल है जो एक बार देखा होगा तभी हो जाएगा अदरवाइज सेम चीज रिपीट करने में अटकेंगे तो so, अगर देखा हुआ सवालों को तो हम कोशिश करेंगे याद रखने की भले ये याद ना रहे बट वन अपॉन साइन कॉस माइनस वन प्लस वन याद रहे वन अपॉन साइन कॉस प्लस वन ठीक है साइन कॉस में चलते चलते क्योंकि तो आपका साइन क्यूब माइनस में ऐसे यहां पर आ जाए कॉस क्यूब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी इन टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई अरे ये क्या आ गया डिवाइडेड बाई साइन इंटू में कॉस ये कॉस इंटू में साइन इंटू में साइन माइनस में कॉस तो इससे यह कट गया इसका मतलब आप देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है आपका साइन थीटा कॉस थीटा तो अगर आप इसे अलग अलग लिख देंगे तो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन वन अपॉन साइन होता है आपका क्या कोसैक हो गया आपका हो गया आपका सेक ये हो गया आपका करेक्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर ये वाला जो सवाल है ये वाला सवाल हमारा तब हो पाएगा जब हमने परम्यूटेशन पढ़ा हो बट परम्यूटेशन सीधे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो सवाल या वो चैप्टर हमारा सीधे सीधे सिलेबस में नहीं है बट प्रोबेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है उस हिसाब से सवाल आ गया ठीक है इसको देख लेते हैं बढ़िया सवाल है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड कम्बाइंड सच दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेज एक दो तीन चार पाँच छ सात सात प्लेसेज हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात और प्लेसेज एक दो तीन चार और प्लेसेज हैं उसने क्या ऑड प्लेसेस पे हमारे वॉवल्स आने चाहिए वॉवल्स देखो कौन कौन से ओ है आई है और ई है अब यहां पर समझना यहां पर और शायद आपको क्लैरिटी मिल जाए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो डिफरेंस है आई होप उसको आप समझ पाओगे देखो तो यहां पर मैं वर्ड्स को जैसे मैंने लिखा यहां पर ओ और और यहां लिखा आई और बाकी वर्ड्स कुछ भी लिख दिए यहां पे लिखा आई यहां पे लिखा, लिखा, लिखा ओ ये वर्ड अलग हो गया यानी यहां पर चूज करने के साथ साथ मैं उनको अरेंज भी कर रहा हूं तो चूजिंग प्लस अरेंजिंग इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन केवल चूज करना बात समझ में आई अब मुझे बताओ कि कितनी ऐसी प्लेसेस हैं कितनी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर मैं वोवल्स को रख सकता हूं तो आपने कहा सर चार जगह हैं ठीक है तो मुझे ये अरेंजमेंट करना कितने नंबर्स का है एक दो तीन ये देखो ये तीन है तो चार प्लेसेस पे तीन लोग इस तरीके से बिठाए जा सकते हैं डेफिनेटली एक प्लेस खाली रह जाएगी यानी अब क्या हो गया आपका नहीं अब क्या हो गया अब आपकी एक प्लेस भर गई दूसरी प्लेस भर गई ये तीन प्लेसेस भर गई फिर भी एक प्लेस ये वाली बच गई ऑड वाली और एक दो तीन नहीं, चार यानी टोटल चार जगह बच रही है और नंबर कितने बचोगे अल्फाबेट कितने बचोगे चार अल्फाबेट बचोगे तीन यूज कर लिए चार बचे होंगे तो उन चार में से क्या आपको उन चार प्लेसेस पे चार लोग चूज करने हैं उनको भी अरेंज कर सकते हो उनको भी अरेंज कर सकते हो यानी फोर पी फोर ठीक है क्या ये चीजें साथ में हो रही हैं या अलग अलग हो रही हैं एक साथ होना है जब भी दो चीजें एक साथ होंगी तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा इसको सॉल्व कर दो तो। तो ये हो गया आपका एनपीआर फॉमूला पहले देखा था बस पुट कर दो तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल अपॉन नीचे आ जाएगा आपका फोर माइनस थ्री वन फैक्टोरियल प्लस प्लस सॉरी नॉट मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर माइनस फोर यानी कि जीरो फैक्टोरियल और जीरो फैक्टोरियल का मतलब वन एनपीआर एनसीआर का फॉर्मुला याद हो जाना चाहिए कि यार एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर तो दोनों में होता है ठीक है और एनसीआर में बस वो आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ जाता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस में आर फैक्टोरियल मतलब समझ रहे हो वहां तक मल्टीप्लाई करके आना है बस ठीक जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन ही होती है यानी ये हो गया फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल और फोर फैक्टोरियल का मतलब फोर इंटू में थ्री इंटू में टू इंटू में वन और इसका स्क्वायर करना है क्योंकि दो बार है चौबीस का स्क्वायर पाँच सौ छिहत्तर इज द राइट आंसर ठीक है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है गलती होगी फाइव सेवेंटी सिक्स इसका एप्सोल्यूटली करेक्ट आंसर होगा आगे बढ़े चलिए वैन थ्री 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 अब आप ये देख लेना ये जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद दो हजार सत्रह या अठारह के मेंस का सवाल है शायद दो हजार सत्रह के मेंस का यू ये सवाल दो बार आया एक बार फिर प्री में भी आया इस तरीके का सवाल सेम सेम इसका आंसर भी मुझे याद है ठीक है चलो अच्छा सवाल है कंसेप्ट याद रखना वैल्यूज वो बदलेगा इतना तो हमें भरोसा है यार थ्री थर्टी थ्री को डिवाइड करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर x से तो रिमाइंडर थर्टीन आता है तो बताओ ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हम तुरंत समझ गए कि यार सेवन थर्टी थ्री में से तो हमें थर्टीन घटाना पड़ेगा सात सौ बीस आ जाएगा यानी ये हमसे सात सौ बीस के फैक्टर पूछ रहा है सबसे पहले ये दिमाग में क्लिक करेगा सात सौ बीस को मैंने थोड़ा यार ये है नाइन इंटू में एट इंटू में टेन मतलब इसको क्या करना है प्राइम नंबर्स की पावर्स में तोड़ना होता है तभी फैक्टर बता पाते हैं हम ये कितना हो गया आपका टू की पावर थ्री इंटू में ये क्या आपका टू की पावर फाइव ये टू की पावर फाइव नहीं सॉरी टू इंटू में फाइव ये क्या है थ्री की पावर टू और रीअरेंज कर सकते हैं यानी ये हो गया आपका टू की पावर फोर इंटू में थ्री की पावर टू इंटू में फाइव की पावर वन तो बेसिकली क्या प्राइम नंबर्स की पावर में ब्रेक करने के बाद जो भी पावर है उसमें वन ऐड करके मल्टीप्लाई करते जाओ जरूरी नहीं कि पहले टू होगा ये टू आगे लिख दो पीछे लोग कोई फर्क नहीं पड़ता तो जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लेटर सपोज मैंने ऐसे लिख दिया होता कोई दिक्कत नहीं है कुछ बदल नहीं जाने वाला ए इंटू बी इंटू सी की जगह सी इंटू बी इंटू हो जाए कोई दिक्कत नहीं है तो टू प्लस वन थ्री इंटू वन प्लस हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स तो एक्टर्स छीस तो एक बार ही क्या हुआ था एग्जामिनर ने ऑप्शन दे दिया था ताकि हम गलत आंसर टिक करें जल्दी आगे बढ़ जाए एक तो क्या ये ये हो गया कंफ्यूज करने के लिए थर्टी ऑप्शन ही नहीं दिया हमें लग रहा सवाल ही गलत है बेसिकली हुआ हाँ पर हमसे गलती से क्या मिस्टेक हुई है स्टार मार्क यहां पर क्या है क्या, क्या चीज ध्यान रखनी है इसमें हमने ना वो नंबर्स भी कंसीडर कर लिए जो 13 या 13 से छोटे हैं हमने तो टोटल फैक्टर निकाल लिये ना 720 के बट अगर मान लो वन है one इसका फैक्टर है 720 का तो वन तो सेवन को पूरा डिवाइड कर जाएगा टू डिवाइड करेगा नहीं सॉरी टू सेवन को डिवाइड नहीं करेगा बट रिमाइंडर तो टू से छो, छोटा छोड़ेगा थर्टीन तक तो छोड़ ही नहीं पाएगा यानी हमें क्या करना पड़ेगा थर्टी में से माइनस करने पड़ेंगे वो फैक्टर्स थर्टी में से वो फैक्टर्स माइनस करने पड़ेंगे हाँ थर्टी माइनस थर्टीन भी कई बच्चे सोचेंगे कि तेरह हटा दो तो हो सकता है ये ऑप्शन आपको दिया हो है ना थर्टी माइनस तेरह देना चाहिए था सत्रह एक ऑप्शन नहीं दिया कोई बात नहीं है तो वो फैक्टर्स माइनस करने हैं जो तेरह से छोटे हैं सात सौ बीस के कौन कौन से आप चलते चलो सात सौ बीस के वन है है ना फिर टू है थ्री भी है क्योंकि सात और दो नौ और है फोर भी है लास्ट के दो डिजिट फाइव भी है सिक्स भी है क्योंकि सेवन प्लस टू नाइन और एक एक ईवन नंबर है सेवन नहीं है एट डिवाइड करके देखो एट नाइन जी सेवनटी टू बिल्कुल है नाइन बिल्कुल है टेन बिल्कुल है इलेवन बिल्कुल नहीं है बारह बिल्कुल है तेरह नहीं है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बीस माइनस दस बीस इज द राइट आंसर बताइए मतलब क्लियर है क्या ठीक है आगे बढ़े फॉर अ मॉडरेटली इस डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर रेस्पेक्टिवली इतना वॉट इज़ द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सीधे फॉर्मुला बेस्ट सवाल है, है ना मोड इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस थ्राइस ऑफ मीन ठीक है फॉर्मला लगा देना है तो थ्राइस ऑफ मीडियन मीडियम कितना है अपना मीडियम है आपका ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन तो टू सेवेंटी नाइन बाई टेन लिख देता हूँ मैं समझ रहे हो ना क्यों सोच रहे हैं शायद बच जाए टू इन टू में टू सिक्सटी एट बाई टेन तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट से जाने नहीं देगा ये देखो यूनिट डिजिट अगर सेम हो कोई दिक्कत नहीं है बशर्ते उसके पीछे जीरोज़ ज़्यादा हो जैसे मतलब इस तरीके से वन है चलेगा जीरो के डिफरेंस से देख लेंगे लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद सब में ही वन है डेसिमल से पहले यहां पर सब में वन है तो यहां पर सॉल्व ही करना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं है सॉल्व कर जाते हैं तो नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन ठीक है फिर सत्ताईस सत्ताइस इक्यासी और दो तिरासी ऐसे ऐड कर लो जैसे मन करे अब तो डेसिमल करना ही पड़ेगा आठ दूनी सोलह छब्बीस दूनी बावन और एक तिरपन फिफ्टी तो थ्री पॉइंट सिक्स माइनस कर देंगे तो सात में से छः गया एक तीन में से तीन गया जीरो आठ में से पाँच गया तीन तीस पॉइंट एक ऑप्शन नंबर बीस करेक्ट क्वेश्चन नंबर तीस तक हम आ चुके हैं इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है एंड आई होप आपने सेशन से कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा